अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जल्दी जल्दी मैं अपने लेंस भूल गई, लेकिन मैंने अपने ड्राइवर को कहा फटाफट बाइक पे बैठ कर आओ, मैं लेंस लेकर आओ। तो ज़रा एक सेगमेंट आपने मुझे चश्मे में बर्दाश्त करना है, क्योंकि मुझे चश्मे के बगैर कुछ नज़र नहीं आता। और ये बचपन से मैंने ताने सुने, अंधी हो, लोग कहते ना अंधी हो गई हो, नज़र नहीं आता। मैं वाकई अंधी हूँ, मुझे वाकई नज़र नहीं आता। और मैं आपको सच सच बताऊँ, हम अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो ज़ाहिर है हम बड़ों को सलाम करते हैं, जो जानने वाले सारे होते हैं, स्ट्रेंजर्स से तो हम बात नहीं करते ना। तो वो ही नज़र नहीं आता था बचपन में, और कॉम्प्लेक्स के मारे चश्मा नहीं लगाती थी, तो गलत लोगों को अस्सलाम वालेकुम अंकल कर देती थी। मेरी दोस्तें मेरा इतना रिकॉर्ड लगा दी थी, इतना मजाक उड़ाती थी। तो खैर, वो ताने और ये सब तो बचपन से सुन रहे होते हैं, अलग अलग बात पे, कितना खाओगी, मोटी हो जाओगी, पढ़ती नहीं हो, नेस्ती फैला रही हो, घर में लड़ाई कर रही हो, नहुसत फैल गई है, और पता नहीं क्या क्या ताने बचपन से हमारे कानों में कभी अम्मा, कभी अब्बा, कभी दादी, कभी नानी, सबके हाथों हमें सुनने पड़ते हैं ताने। और हम वो ताने सुन सुन के ढीठ होते जाते हैं, और बचपन से बड़े हो जाते हैं, और फिर हम वही सर्कल दोबारा रिपीट करते हैं, और अपने बच्चों को भी हम कुछ उसी तरह ताने देते हैं कि बस जाओ नहीं जिम, देखना पेट निकल जाएगा, शक्ल देखो कैसी हो गई है, बेरौनक, खाती नहीं हो, जूस नहीं पीती, फ्रूट नहीं खाती। पता नहीं हम किस तरह अपनी ममता का इजहार या अपनी मोहब्बत का इजहार भी हम लोग तानों के थ्रू करने लग गए। और यहाँ तक कि कभी घर में अगर मैं तैयार हो जाऊँ, सो मेरे मियाँ का एक ताना आता, आज तो मॉर्निंग शो नहीं है, छुट्टी है, मतलब कि मैं उसके लिए तैयार नहीं होती। तो ये ताना मोहब्बत में भी मिलता है, कभी कभार गुस्से में भी मिलता है। तानों के अलग अलग किस्में होती हैं, और वो किस्में जो हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगती हैं। मज़े की बात यह है कि बहुत अरसे तक तो मुझे ताने समझ ही नहीं आते थे, तो बहुत सारे लोगों ने जो मुझे ताने दिए वो मेरे ऊपर से गुजर गए। फिर उसके बाद जब समझ आने लगे तो सेंसिटिविटी बढ़ने लगी। ऐसे ही होता है ना कि कभी कभार आपको समझ नहीं आ रही होती चीज़, तो ये एक चीज़ है जो अगर आपको पता नहीं, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं और आप सेंसिटिव नहीं होते, आपका दिल नहीं दुखता कि हे इसने मुझे कैसे ताना दे दिया। देखिए, तानों की नौइयत अलग अलग होती है। ससुराल में जाते हैं सो आपको अलग वही ताने जो आपकी अम्मी देती थी, फूहड़ लड़की कुछ आता नहीं है, काम क्या करेगी ससुराल में, ना कटवाएगी माँ का, नहीं दिल पे लगता। मतलब कि अम्मा कहती रहती हैं, अम्मी क्या है, हमने बस सिर्फ ये कहना है, दिल पे नहीं लगता। लेकिन अगर यही ताना ससुराल से सास की तरफ से मिल जाए, बेटा कुछ अम्मी ने सिखा के नहीं भेजा, खाली इतना सा जुमला, हाय बेटा कुछ अम्मी ने सिखा के नहीं भेजा, ये तो जैसे तीर चल जाते हैं ना दिल पे। हाँ कि हालांकि वो खुला ताना नहीं होता जो अम्मा ने दिया होता है, लेकिन ये वो ताना होता है जो सास ने दिया होता है, और ऐसे दिल चीर देता है। उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो जाते हैं, सीख जाते हैं। वही चीज़ जो अम्मा हमें नहीं सिखा पाई, टाइम पर उठना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, वो ऑटोमेटिकली ससुराल में जाके पूरी कर लेते हैं हम। So, क्या हम डंडे के पीर हैं, क्या हम तानों की वजह से सुधारते हैं अपने आप को? वैसे कुछ लोगों में आदत होती है, जब तक ताने ना दो ना वो नहीं सुधरते, मगर आपको और मुझे, हमको कुछ कॉमन ताने इस ज़िंदगी में मिले होंगे जिनकी वजह से हम सुधरे, हम कुछ बने, हम अपने पैरों पे खड़े हुए। आइए उन मीठे, प्यारे, कड़वे, खट्टे मीठे तानों को एक साथ डिस्कस करते हैं आज की सुबह, और याद करते हैं अपने वो दिन जब आप बहुत कुछ सीखने की एक साथ कोशिश कर रहे थे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चश्मे में बहुत बुरी तो नहीं लगी? पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, जैसे कि मैंने आज आपको बताया, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा अजीब टॉपिक है, लेकिन आप बहुत रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने भी अपने बचपन में, अपनी जवानी में, लड़कपन में, हर दौर में सुनी होगी। और जैसे जैसे आपकी एज बदलती है, बढ़ती है, कम होती है, जिस तरह की भी एज होती है, आपको माशाल्लाह उस हिसाब के ताने मिलते हैं, और हर कोई देता है, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके माँ बाप हो, बहन भाई हो, हस्बैंड हो, ससुराल वाले हो, माशाल्लाह कभी कोई चूकता नहीं है। जिसको निशाने पे जो लगता है कि ये बात या होनी चाहिए,
ऐसे ताने मारता है कि आपको यूं गोली की तरह लगते हैं। सो आइए कुछ मेरे जैसे ऐसे लोग जो जिनको ताने सुनने को मिले और उन तानों से वो बहुत कुछ सीखे भी हैं और समझे भी हैं और अकल भी आई है कि कौन किस तरह का ताना दे रहा है, किस लिए दे रहा है, क्यों दे रहा है, दिल चीर रहा है या हमारे भले के लिए दे रहा है, ये सब ये वो समझते हैं लोग। सो आपको भी समझाना है कौन सा ताना आपके लिए आपके भले के लिए है और कौन सा ताना आपके दिल को चीरने के लिए। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, मेरी प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बहुत प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ससुराल पहना है? लव द ग्लासेस। बहुत बहुत अच्छी लुक है। अच्छी पहली मां कह रही हूँ ससुराल पहना है। नहीं, क्या मैंने ये मैंने कपड़े बनाए तो मैंने हाँ। जोड़े का नाम ससुराल रखा। क्यों? क्योंकि सिंधी अजरक और उससे थोड़ा सा रिलेट कर इंस्पायर्ड। अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन अजरक, लेकिन ये कितनी मॉडर्न है। ये जरा कनेक्शन बनाए अजरक से इंस्पायर होके, तो जोड़े का नाम है ससुराल जी, अभी सिंधी ससुराल। अभी फ्यूचर की बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर से हम बात कर रहे हैं। कल तो है ना लिफ्ट नहीं कराना इसने, जिस तरह ये माशाल्लाह मेरी जा रही है, बनती जा रही है। पहले सेंस अच्छा है और अब तो मतलब साथ में डिग्री भी आ जाएगी। सो एक देखा दोस्ते होते ना जरा अच्छा फील होता है सुबह सुबह। दूसरी तरफ मेरे एक और दोस्त जी, आवाज का पहले बता दूं, मेरी आवाज थोड़ी सी ब्रादराना अच्छी लग रही है, हो गई है रानी मुखर्जी टाइप आवाज। हाँ, आवाज थोड़ी सी गला बैठा हुआ, आई डोंट नो क्यों, बट गला बैठा हुआ, गला खराब नहीं, गला बैठा हुआ। चले एक दूसरी तरफ सुरीली आवाज वाली बैठी मेरी दोस्त सादिया। सादिया इमाम, आपकी आवाज ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक। मैंने कहा वो इसने कहा अपने जोड़े की तारीफ के तारीफ हो, तुमने कहा गला खराब ताकि हम तारीफ। दोस्तों का ये फायदा होना ही चाहिए भाई, आपको ऐसे लोगों में बैठना चाहिए जहाँ आपको पॉजिटिव सुनने को मिले, पॉजिटिविटी मिले, है ना, टॉक्सिक लोगों से दूर। और एक और मेरी बहुत पॉजिटिव प्यारी छोटी सहेली, मतलब है तो हमसे छोटी लेकिन इसकी कंपनी में हमें खुद यंग फील होता है, सना अस्करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लुकिंग लाइक डोरा, डोरा एक्सप्लोरर करते हैं। और सना बातें भी बड़ी अपनी उम्र से बड़ी करती है, चटोरी है। हाँ, इसके पास सेंस है। थैंक यू, थैंक यू। सो आज की सुबह ये गपशप हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम जरा अपने दिल के फफोले फोड़ सके। फफोले यार, फफोले और भी निदा नहीं बोला था। दिल के फफोले। हाँ, ये अब मेरी अम्मी वगैरह बड़े इस्तेमाल करती थी। अम्मियों के तो ऐसे ऐसे जुमले होते थे नादिया, मुझे याद है अम्मी कभी ना बिल्कुल हम बच्चे क्या यार हर वक्त थोड़ी आप टिप टॉप है, क्या झाड़ मूड़ पहाड़ फिरने जा रही हो? अरे भाई ये क्या झाड़ मूड़ पहाड़, ये क्या चीज है? चलो समझ आएगा, तो वो जरा शॉर्ट कर देती, क्या झाड़ मुंह पहाड़ फेरे जाए, जाओ जाके अपना हुलिया ठीक कर करा, तो बताओ क्या कर। उफास का ना मतलब पता होना बहुत जरूरी है। मुझे टीन्स में मैं सैलेड बहनों को देख के बहुत खाती थी, तो अम्मी कहती थी हर वक्त शिटाला खाती रहती है। क्या खाते रहती है? शिटाला, शिटाला पालक। तो आई थॉट ये कोई इटालियन फ्रेंच नेम है सैलेड के लिए, तो मुझे सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है ना शिटाला। मैंने रेडियो एफएम 100 जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उस दिन लाइव शो चल रहा है, मैंने कहा आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, वेरी स्पेशल सैलेड शिटाला। मैंने रेसिपी बता दी भाई, उसके बाद फोन आने शुरू हो गए। मैं कहा ये क्या, वो फोन जी हेलो, कह रहे मैडम ये आप घोड़े के चारे का आप रेसिपी बता रही है, मतलब पता होना बहुत जरूरी है। नहीं वो तो मैंने ऐसी मजाक में कह दिया था, इसका नाम कुछ और है। तेरे लिए बात करने से पहले मतलब जानना जरूरी है। बिल्कुल, अब्बा ने उसे बुला के जो क्लास ली ना, बैठो यहाँ, खबरदार आइंदा जिस चीज का बताना बात नहीं करना। हमारे घर में बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, मैं तो स्टाइल से बोल रहे हैं शटाला घोड़े का चारा। वो हाला ला 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 हो गया उसके बाद। अच्छा, अगर आपके चार पांच बहन भाई होते तो कोई एक ऐसा होता है जो किसी सीजन में टारगेट होता है, समझे बाहर में एक टारगेट है, खिजा में एक टारगेट है, सर्दियों में एक, तो वो टारगेट जो तोपों का रुख है वो अम्मी अब्बा का बदलता होता है। कभी अम्मा का कोई फेवरेट बन जाता है, कभी अब्बा का कोई फेवरेट बन जाता है, हर उम्र में हर दौर में। भाई बहुत तंग करते हैं भाई, जरूर ताना उनकी जीन्स में होता है कुछ, जेनेटिकली के वो ताने देते हैं, जैसे तंग करते हैं वो, कहते हैं अगर वो जो कहते हैं कस्टम मेड ताने क्या है भाइयों के, जरा आप लोग इस पे रोशनी डालो। तुम्हें तो वैसे ही कुछ नहीं होना, हाँ। तुम तो लड़कियों का वो कार्ड लेके निकल जाओगी, अम्मी ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहना। अभी भी क्यों नहीं कहना, हम पे बेलन भी टूटे, हम पे चप्पलें भी टूटी हैं, मतलब गिलास तक अम्मी ने तोड़ दिया, कह रहे तुम्हें तो कुछ नहीं होना, तुम्हें तो बस लड़की का कार्ड। ये ताना हम बहने देती है, हमारा एक ही भाई है,
तो वो चहीता लाडला मतलब दिन है तो दिन है रात है तो हम यही चहीता है इसी की सुनेंगे यू नो तो वो हमारे यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है स्टिल स्टिल हाँ उसकी से जो है ना वो है उल्टा तो वो कोई ताना नहीं देता नहीं वो पटकता था हम रेसलिंग खेलते थे ओह माय गॉड वो वाला था जितना गुस्सा था ना मार मार के निकाल देगा दूसरे को मेरा भाई तो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग ताने देता था जैसे वो बड़े क्योंकि बड़ा बहुत था हमारे को 25 साल का मेरे ख्याल डिफरेंस है एज का हुई हुई हाँ तो मुझे वो कहते थे तुम हमारी सगी बहन नहीं हो हमने तुम्हें क्वेटा में दाने भुनने वाली माई से उठाया था उसने कहा मैं बच्चा नहीं पाल सकती तो उसने तुम्हें हमें दे दिया तो मेरा एक पता है कितना आज तक खौफ है मैं दाने भुनने वाला को देखती हूँ ना मेरी जान बचपन का ड्रामा ये मेरी बच्ची कसम से रेडी वाले को देखती हूँ मुझे लगता है कोई और वो इतना रियल बेल होती थी ना वो आ गई जन्नत बीवी भी नाम रखा था जन्नत बीवी आ गई अपनी बेटी ने चलो नारिया सामान पैक करो तुम्हारी माँ आई है बाहर के लिए इतना खौफनाक हमारे से ये वाला होता था कूड़े के डब्बे से तुम्हें उठाया तुम तो रह नहीं दो तुम्हारी बात कौन सी अच्छा हमारे यहाँ सारे बच्चे वैन वाले ड्राइवर अंकल के होते थे बब्बू अंकल के बच्चे यू नो जब जिससे ज्यादा चिड़ हुई बब्बू अंकल का बच्चा है ये बब्बू अंकल का बेटा है अच्छा मेरा भाई जो है ना उसको हम देते थे तुम्हें तो कचरे के डब्बे से उठाया है उसका थोड़ा रंग कम है हम लोगों में से ना वो थोड़ा डिफरेंट लगता है वो लंबा भी बहुत है तो हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से उठाया कचरे के डब्बे में से इसको लेकिन बहुत गंदी बात बॉडी के हिसाब से आपको इतने मजे मजे के ताने मिल जाते हैं और उस वक्त जाहिर क्योंकि आपके बहन भाई और अम्मी अब्बू दे रहे होते हैं ना दिल पे नहीं लग रहे हो लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक रिश्तेदार है मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मसला हो जाएगा बड़ा वो काफी मोटे थे अपने जमाने में तो उनको इस तरह जब ताने पड़े और मेरे ख्याल से किसी खूबसूरत लड़की ने जब ताना दे दिया तुम बहुत मोटे हो ये वो अरे भाई तो दिल पे लग गया उस बंदे ने जो ऐसी डाइटिंग की ये दाना अच्छा था पीछे छोड़ दिया लेकिन बताऊं क्या स्मार्ट ऐसे कांगड़ी ये आजकल हुआ है कि बॉडी शेमिंग वगैरह लेकिन बचपन में जैसे मैं शॉर्ट थी कोडू गिट्टी गिट वो गुठली पता नहीं क्या क्या और मेरे बहन भाई बोलते थे भाई गाला जला बाप आपे ये वो हम लोग खुद ही बोल देते सबके घर का तुम्हारा माहौल ठीक नहीं था लड़की सबके घर बता रहे थे मैं बहुत पतली थी तो मुझे कहते थे गरारा मत पहनना उड़ जाओगी पैराशूट की तरह उड़ जाओगी पतली हो तो सूखे सड़े मोटी हो तो क्या घर में सबका खाना खा जाती हो तो ये असल में बहुत खाने को नहीं मिलता अम्मा हमें गंजा बहुत रखती थी ना तो यार अम्मी ने बहुत ज्यादा की जुओं के डर से नहीं बाल अच्छे आएंगे अच्छे आएंगे सारे काम बाल होंगे तो आएंगे ना होंगे उस चक्कर में मैं टकला मैं कद्दू पूरा मोहल्ला बुरी लगती होगी तुम कद्दू कहता ना खौफनाक लगती होगी तुम गंजी तुम सोचो और होता क्या था और भाइयों की ना मोदी ऊन वाली टोपियां वो मिलती थी पहनने के लिए सर्दियों में और पूरा मोहल्ला आंटी कद्दू को भेज दीजिएगा नीचे से आवाज आ रही स्कूल नहीं कद्दू स्कूल नहीं या अल्लाह ये किस उम्र तक हुआ आपके साथ ये कुछ सिक्स तक अच्छी बच्ची oh my God. अच्छा सादिया वैसे उन लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ा होगा जब कद्दू कद्दू वाली अब आप सादिया इमाम बन गई लंबे खूबसूरत बाल इतना रोती थी मैं पता बिस्तरों में छुप मैं केस कर देना चाहिए था घर वालों का तबक्कल नहीं थी ना अब जिंदा होती तो कर देती बड़े भैया बड़ी बीबी के आपने क्यों नहीं रोका इनको पिंडी वाले वैसे भी अजीब से ही हमारा अलग ही सिस्टम है बड़े हुए ना हम आप एक बड़ा ये मेरी एक चोट है अगर कहीं देखे आठ टाक के आए थे ये तो दीवार घुस गई थी बेबी डॉक्टर होते थे अब डॉक्टर का नाम बेबी अब डॉक्टर बेबी क्या कह रहे टाके लगाते आप इतना गंजा ना रखती बच्ची को इतने बड़े टाके ना तो क्या टक्कर हो गई थी दीवार से क्या मेरे हम खेल रहे थे ना मैं लड़कों में बहुत पहली हूँ भाई आखिरी के दो भाई और फिर मैं ही थी तो लड़के ने पीछे से धक्का दे दिया तो ये दीवार घुस गई अंदर मेरे ठीक है दीवार फिर भी नहीं घुस सकती तुम दीवार में घुसी थी चलो अब तुम मम्मी की बात को पक्का ही करना मैं घुस गई जाके दीवार में वो डॉक्टर बेबी टाके लगा रहे करे थोड़े बाल होते तो आज बचत हो जाती मैं घर में बाल होते तो बचत हो जाती लड़की और वो भी गंजी बच्ची सोचो यार ग्रेड सिक्स की बच्ची गंजी सोचे बड़े होकर शादियां इमाम बन गई और आप सोच मैंने तो इसलिए मीरा को कभी शुरू बिल्कुल बचपन में रखा उसके बाद मैंने कभी मैं कहा नहीं नहीं मैंने ये दुख झेला है एक दफा ही बड़ा मुश्किल होता है कि बस जल्दी से बाल आ जाए और फिर पूरा मोहल्ला अपना ना मेरा ख्याल है कि वो समझता है हमारा हक है ये कहना कद्दू
गंजी चलो मौका भी दिया तुम लोगों ने, बाकायदा एक एक करके बाकायदा ताने जो है आपको जिंदगी भर याद रह जाते उन पे आते हाँ, प्लीज ये हो गया कद्दू सूखी सीरियस हो गई हाँ। नहीं मुझे इसमें याद है मेन ताने में देखे थे मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी हाँ। हम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे टिल द डे आई वेंट टू अवर हाउस उसके मैं घर गई और मैंने मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हमारी खत्म हो गई उसके माँ बाप की वजह से कि हाय इतनी प्यारी दोस्त है तुम्हारी कितनी अच्छी नाक है इसकी मैंने ऐसे देखा मैंने कहा मेरी नाक तो कभी उसने तारीफ नहीं की हाँ। देखो ये कितनी अच्छी है ये ऐसे ये ऐसी हर चीज पे कंपैरिजन अपनी बेटी का मेरे साथ करना oh my God. हाँ। देखो रंग इसका कितना अच्छा है क्या करती हो तुम इसको भी बताओ कि रंग कैसे साफ मैं कुछ भी नहीं करती थी मैंने क्या हाँ। करना है हाँ। स्कूल में होते थे इतनी मैंने टॉर्चर देने वाली माँ नहीं देखी और मेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम ये थी उसके बाद आई थिंक रिएक्शन बार बार हाथ धोती रहती थी उसकी स्किन उतर जाती थी हाथ धोती रहती थी हाथ में तुम क्यों करती हो कहती पता नहीं मुझे होता मैं अपने अंदर का माँ बाप से तो लड़ नहीं सक रही कॉम्प्लेक्स जो अंदर स्टार्टेड हेटिंग मी तो वो दोस्ती खत्म हुई उसकी माँ की वजह से माँ बाप की वजह ये वो कंपैरिजन हर वक्त आने देने उसको वो देखो नादिया कितनी अच्छी बच्ची थी उसकी भाई नाक मतलब नाक तो बड़ी ऑर्डिनरी थी मेरी वो भी उनको लग रही पता नहीं किसकी नाक है हर वक्त अपनी बच्ची को ताना देना तो वो मुझसे उसको उसको मुझसे नफरत होगी तो दोस्ती खत्म होगी इस वजह से उतनी घर वाले मतलब लेकिन ये बात है कि अपने माँ बाप भी सगे देते हैं ताने बड़े देते हैं किसी आपको स्ट्रेंजर से नहीं होगा ज्यादातर आपको हर्ट करते हैं आपके अपने अपने रिश्तेदार अपने घर वाले क्योंकि वो बस लेवरेज लेते हैं इस बात का कि आपसे रिलेटेड है हाँ, हाँ. गैर कम करते हैं गैरों को नहीं इतनी होती अपनों को क्योंकि आपके बारे में जानते हैं इन्फॉर्मेशन और आप उनको इतना क्लोज होने भी देते होने हैं भी आपके ऊपर उनका हक होता है ना तो कभी कभार वो उस हक का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को रुइन कर देते हैं बहुत सारे घरों में अगर आप देखेंगे जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ जब वो बड़े होते हैं और उनको कॉम्प्लेक्सेज होते हैं बहुत सारे लोग होंगे जो आपके कलीग्स होंगे और आपको अंदाजा होगा उनके साथ रह के कि यार ये कितने कॉम्प्लेक्स हैं उनकी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है उनके घर से शुरू मैं उनको 25 साल बाद फिर उसको मिली हाँ एंड शी इज सो मेस्ड अप वो अब तो बकायदा जैसे वो इलाज भी करा रही है उसका उसका ठीक नहीं है मेंटल स्टेट और मुझे अब समझ आता है कि ये बचपन से ही माँ बाप नेवर रियलाइज कि हमारी अच्छा कभी जैसे बच्चा कितना डिस्टर्ब हुआ पूरी जिंदगी सादिया कभी वो ताने जो हैं वो दोस्तों को लेके होते हैं कभी आपके बहन भाइयों के साथ आपके बहन भाइयों से जब माँ बाप कंपैरिजन करते हैं तो कभी कभार बहन भाइयों के बीच में एक जेलेसी डेवलप हो जाती है जिसका आप और हम तस्वर नहीं कर सकते कि हम भुगते हैं हाँ कि ये आपस में बहन भाइयों के बीच में कैसे ये हसद पैदा हो सकती है वो कभी कभार माँ बाप नादानी में क्योंकि उनको पेरेंटिंग आती नहीं है हाँ। तो नादानी में कर देते हैं नहीं उसको देखो माँ बाप आपके रिलेटिव्स यू नो नहीं वो देखो उसको देखो पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकी वो करियर में बेचारी डिस्टर्ब रही शादी में डिस्टर्ब रही अब वो अकेली बच्ची के साथ अपने माँ के घर में थी उस और भाई के नाम था वो घर वो कहती नादी मेरे पास कुछ जगह नहीं मेरा भाई रोज कहता है घर से निकलो मैं सेटल नहीं हो सकती मेरे पास कुछ जगह ही नहीं है तो वो पूरे जो कॉम्प्लेक्सेस बचपन के थे ना उसके साथ चले वो तो हम तो हंसी मजाक में कह रहे हैं ताने लेकिन ये ताने कितने खतरनाक बन सकते हैं यार वो कहते नहीं है कि ज़बान की मार तलवार की धार से ज्यादा खतरनाक मुझे 25 साल बाद फोन पे उसने फेसबुक पे ढूंढा पता है क्या कहती तुम्हारी नाक कभी भी वैसी खूबसूरत है ओह माय गॉड मैंने कहा प्लीज मेरी नाक बहुत ऑर्डिनरी है मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले नाक पे तो क्या नाक में है तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन वैसे ही अच्छा है इतनी पुरानी बात अभी भी जो पहली बात दिल में मैंने कहा नहीं यार मैं तो ऐसे ही बस फजूल यार स्किन का मसला बालों का मसला कुछ भी नहीं मुझे समझ ना आया यार ये तो फंस गई है उस टाइम हाँ, हाँ. तो ये टॉर्चर है ये आपकी पर्सनालिटी को शैटर कर देते हैं ताने बहुत सीरियस मैटर है हम बात कर रहे हैं बट इट इज एक्चुअली सुबह सुबह हंसी मजाक कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं लेकिन इन द एंड अगर हम ये कहें कि हम सोचे समझे बगैर बहुत कुछ बोल देते हैं मोटा पता नहीं क्या गिट्ठा ऐसे मुंह से निकल आता है लंबों की अकल घुटनों में और पता नहीं क्या क्या ना हम चलते फिरते आम फैम जबान में अपनों को ही ऐसे बोलते हैं पर हमें नहीं पता चल रहा होता कि उसके दिल में क्या पनप रहा है आहिस्ता 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 या उसका अपना आप कितना डैमेज हो रहा होता है इंसान पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है ये सारी बातें सुन सुन के और कॉन्स्टेंट जब ये बातें आप सुन रहे होते हैं अच्छा फिर कोई एक बंदा बोलना शुरू करता है दूसरा उसका माइलेज लेता है तीसरा उसकी माइलेज लेता है अजीब समझ नहीं आती क्या अच्छा भाई ताने टॉपिक के खत्म भी होना है बच्चों के मेरे स्टूडेंट था दुबई में 16 इयर्स ओल्ड अंकित इंडियन हिंदू बॉय मेरा स्टूडेंट और उसकी बुक्स में लिखा होता था आई हेट माई मॉम और उसने ही डाइड
सुसाइड कर ली थी. अच्छा मुझे समझ नहीं आई. मैंने कहा यार ये और ये बात मशहूर हुई स्कूल में. खत्म. फास्ट फॉरवर्ड 2 years मैंने जॉब चेंज की. मैं एक दूसरे स्कूल में गई और मेरी वहाँ जो प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेटर कौन थी? उषा लांबा. वो उसकी माँ थी. उषा लांबा कौन? उषा लांबा अंकित की माँ. मैंने 2 उस स्कूल में ऐसे जॉब किए. टॉर्चर नहीं होता जैसे. ये औरत पागल थी. ये सबको ताने देती थी. ये तंग करती थी. इसके अपने कॉम्प्लेक्सेस होंगे. मतलब जब काम किया तो मुझे लाइफ मतलब पाकिस्तानी का ताना, इंडियन का ताना, हिंदू का ताना, मुस्लिम का ताना, हर एक को ताने. मेरे शलवार के पीछे भी डिजाइन. ये तो मुझे पाकिस्तानी शलवार होती है ना, ये सर, ये पागल में. अब कोऑर्डिनेटर मेरी कुछ लोगों की पर्सनालिटी नेगेटिव होती है नादिया. बट एक दिन मुझे आया, मैंने कहा उषा मुझे आज समझ आया तुम्हारा बेटा इतनी पेन में क्यों था. वो पागल हो गई ऐसे. मैंने कहा मैंने उसकी बुक्स देखी. मैं सोची थी कोई माँ से नफरत नहीं कर सकती. मैंने 2 तुम्हारे साथ काम किया ना. नाउ आई रियलाइज कि मैंने कहा यू क्रेजी. तुम यहाँ किसी को भी इस वक्त ना वाकई को और कुछ पागल हो गई थी. टीचर्स रोती थी, अजीब अजीब बातें करती थी. तुमने ये क्यों नहीं नोट्स बनाए? अभी तुम बाहर जाओ तुम्हें ट्रक मार दे, तुम्हारी डेड बॉडी पटी और मैं तुम्हारी डेड बॉडी से पूछूंगी. इस हद तक आके तो शी वॉज क्रेजी. और फिर मैंने मैं उसके प्रिंसिपल को हमने कहा सब कंप्लेन करो. सब ने कंप्लेन की. मैंने रिजाइन किया. देन शी वॉज सैक्ड. अच्छा ये आपकी कभी जहाँ आप जॉब कर रहे होते हैं कभी कोई ऐसे लोग होते हैं? हमारी नेबरहुड में एक आंटी थी जब हम लोग छोटे थे, पिट्टू गरम खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, वो हर किसी को ताने देती थी. मतलब लाइक हम उनका मस्ती में ये कहते थे कि जब आप उनसे मिलेंगी तो उनका ताना नहा ली, यानी कि बच्चे गंदे घूमते हैं ना, उस पर भी उनको तकलीफ. किसी और का बच्चा है आपको क्या तकलीफ है? नहा ली. सो वो कुछ आपकी सोसाइटी में भी जिस नेबरहुड में भी कुछ ऐसी आंटियाँ होती हैं जो हर दम चलते फिरते आपको ताना मारती. और वो यही होता हम कहते हैं कि पढ़ाई का ताना. और वो यही कहती थी तुम नालायक हो, पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, यू आर अ लूजर. वो बच्चा पागल हो गया. सबसे बुरा ताना अगर हम बात करें सोसाइटी में, सबसे बुरा ताना है माँ बाप का ताना. हाँ बिल्कुल. और माँ बाप देते हैं ताने. हाँ. बर्बाद कर देते हैं आप अपने बच्चे को ऐसे. सबसे बड़ा वो है क्राइम है और इसको अवॉइड करना चाहिए. उसके बाद फिर ये सब चीज़ें उसके आगे छोटी हैं. आजकल तो बहुत सारी चीज़ें पेरेंटिंग के हवाले से सिखाई भी जा रही है. अगर बच्चे को ग्रूम करना है, बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो उसको बोलने का तरीका कार कैसा होना चाहिए. एक छोटे से ब्रेक के बाद बात है बड़ी लाइट मूड वाली, लेकिन इसके पीछे जो डेप्थ है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता शो के दौरान पता चलेगी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज सुबह सुबह सोचे ये वो सुबह है जब हमें घर में ताने ही ताने सुनने को मिलते हैं. सो हमने आज शो को भी वही बना लिया है. किसके घर में वैसे सुबह सुबह होता है अम्मा का मूड ख़राब? अगर आप मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ तो कभी कभार सुबह सुबह अम्माओं का मूड ख़राब होता है. स्कूल के लिए देर से उठ रहे हैं, उस पर ताने. खाती नहीं हूँ सही से, उस पर ताने. सो वहाँ से आते हैं दोबारा से. अब अच्छे अच्छे से जरा लाइट लाइट सी बातें करते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को आगे लेके जाएंगे. जब ससुराल तक बात पहुंचेगी खुद ब खुद संगीन हो जाएगा. मुझे तो ये भी पता चल जाता है ये औरत ताना देने वाली है. देने वाली आने वाला सब बंद करती है. नहीं नहीं, वो ये उनकी खास नजर होती है ऐसी आंटीज की. देखना जरा, अब तुम हो ना बैठी भी. ओ माय गॉड, आ रहा है भर रहे भर रहे. फिर देखेंगे ऐसे ऐसे देखती है वो. बस आ रहा है समझे, बस पक रहा है अब के अंदर बस उगलना. वो फिर ना ऐसे ऐसे घूरने लग जाती है, रेडी हो रहा होता है. चलो अब हम जाते हैं बचपन पे. सही, बचपन से शुरू करते हैं. हाँ भाई, सुबह उठे घर एकदम दिमाग अजीब सुन हुआ आवाज स्कूल जाना मेरा नहीं होता था. बहुत खुश उठती थी. मेरे ताने शुरू हुए शादी के बाद, जब मुझे सोने का शौक हुआ और वो ससुराल से ताने नहीं आते थे, वो मियाँ के आते थे. तो वो कहता था एक दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया सोने को और मैं मगरिब पे उठी थी. लिटरली वो भी उस वक्त भी मुझे उठाया गया था. लड़की बनते हैं शौक. हाँ तो मुझे सोने का बहुत शौक है. तो हम सब दोस्तों भी मिलके देंगे बेटा. लेकिन ऐसी वो नींद गई ना मेरी नजर लग के बाद. माशाल्लाह अब 4 भी सो जाऊं तो नजर लग गई. हाँ लेकिन मुझे बहुत शौक है सोने का. अदरवाइज यू नो आई कैन स्लीप व्हेरेवर व्हेनेवर. जितना बोले मैं लकी है यार, शी सो लकी. तो दिमाग ही चलता रहता है. नहीं चलता. और मैं सोती हूँ ना मतलब खोती हूँ. उस वक्त ये होता है कि आपने मुझसे जो पूछना है ना वो आप पूछ ले, मैं सब सच बताऊंगी आपको. ओहो लाइक लिटरली. ओहो तो अम्मी जब मैं सोती थी तो मुझे अम्मी से ये नाराजगी थी कि सोते में उठे
तुमने ये किया था, मैं सर सर बोलती थी हाँ मैंने किया था या व्हाटएवर यू नो, जो ये बड़ी अब सोने दे बहुत खतरनाक, ये बड़ी खतरनाक बात है, तो मैं सोते में सब सच बोलती हूँ। यार मैंने बड़ी कोशिश की अपने मियाँ की सोते में क्या बोलता है, इतना क्लियर नहीं होता, सुन नहीं पाता। हाँ। वो भी बहुत बोलता है, किसका नाम ले रहे हैं क्या कौन है, ये सोते में नहीं बोलती, इसको तो उठा के पूछना पड़ता है, ये अपनी नींद से मैं इतनी मगन होती है, कहती है हाँ ये मैंने किया अब सोने दो। हाँ, 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 मेरा ये होता है कि सोने दो। अच्छा सुबह का, सोते में आपके घर का आपकी अम्मी का सुबह का ताने, सुबह का मैं बस उठी जाओ डांटती थी, बहने भी तो थी ना, बहने भी तो अम्माएं बन जाती हैं, बड़ी बहने और भाई जो होते हैं। यार ये बिल्कुल नहीं याद, नाश्ता बना लो या कुछ ऐसा कर लो, कुछ तो कर लो भाई, जैसे आपकी बड़ी बहने काम कर रही है। मैं इतना, मैं तो 4 बजे तो मैं गोल्फ कोर्ट से बैठी हुई खेल रही होती थी ऐसे सुबह। हाँ अरे मम्मी से पहले मैं उठती थी, तो मेरे ख्याल मुझे नहीं याद, तुमने दिए होंगे ताने 4 बजे तो स्कूल में, तो मुझे यही याद है, नाश्ता करके याद होगा, 4 बजे अंधेरे में गोल्फ कोर्स में होती थी और प्रैक्टिस कर रही होती थी, वहीं से स्कूल जाती थी, वहीं से आना नहीं बल्कि अम्मी को यही होता था कि रेस्ट किया करो, आराम किया करो तुम जरा, नहीं सोने पे तो नहीं, नींद मुझे बहुत कम मिली जिंदगी में, अब आदत ही होगी, आदत बल्कि अब मैं आई थिंक प्रॉब्लम है शायद आराम से सो रही हूँ, फिर भी 7 आवर्स मिल जाते हैं, पहले नहीं। नहीं हाँ भी शादी आपको याद है क्या बचपन? मुझे ऐसे तो नहीं याद, याद हम सब 6 बहन भाई एक ही उसमें था, तो वो शोर इतना मजा आता था, सुबह ही सुबह सबके स्कूल कॉलेजेस होते थे तो उठना ही पड़ता था, सबसे बड़ा ताना तो नहीं होता था, सारे काम मुझे करने पड़ते थे, पिंडी की सर्दियाँ जाओ देखो पानी गर्म हो गया, जाओ देखो ये कर, तो वो मुझे नफरत होती थी, गीजर बंद हो गया दोबारा चला, छोटा बस जानवर बन जाए, समझ जाए ना, कुत्ता बन जाए, घर का छोटा ना हो, सारे काम जो करने पड़ते थे ना उससे मुझे उलझे थे, ऐसे ताना नहीं, उस वक्त शायद ये लोग सब अपनी नींद के खुमार में होते थे, तारा नहीं पड़ता था। आज नाश्ते पे जरूर अम्मी कहती थी जाओ खाली पेट ही वापस आना, अब तो वो ये इस तरह की चीजें थी, बड़ा ऐसे ताना बचपन का। ओके चलो यहाँ से शुरू करते थे तुम लोगों के माशाल्लाह जिंदगी भर के ताने, कहाँ से शुरू करूँ, जहाँ से जो दिल चाहे शुरू करूँ के घर वालों, जो जो दिल चाहे, आपका प्रोग्राम है जो मर्जी बताएं। अच्छा ओके, तो बचपन से एक प्रॉब्लम थी, मुझे गुस्से का मसला था, अच्छा शदीद, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ एट टाइम्स गलत बात पे भी आता था, तो मुझे लाइक जो मेरी अम्मा की फैमिली है उससे वो यही है, तो वहाँ से पढ़ता था इसको इतना गुस्सा क्यों है, इसको इतना गुस्सा क्यों है, तो वो मेरे बात में जो जो बात है ना मेरे दिमाग में रह गई थी, और वो लिटरली मुझे होता था हाँ यार वाकई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, नहीं भी आ रहा होता था ना यार इसे तो बहुत गुस्सा आता है, इसे तो बहुत गुस्सा आता है। सही कह रही हो, पता है अगर आप किसी बच्चे को कहते रहे ना ये तो बहुत ही गुस्सा करता है, ये तो बहुत ही लेजी है, वो ना उसके ब्रेन में डेवलप हो जाती है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो वो मुझे काफी अनॉय करती थी बात एज अ चाइल्ड के यू नो जब देखते भी थे ना उसको तो बहुत गुस्सा आता है, ये तो तुम्हारी ये वाली तो बहुत गुस्से वाली लड़की है, तो दिस वॉज द ओनली प्रॉब्लम आई हैड लाइक यू नो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वो ये वाला जो गुस्से वाला मसला था, गुस्सा और जिद, इन दो बातों पर मुझे बहुत पड़ी है, और मैं वाकई जिद्दी हो गई थी, आई रिमेंबर कि मतलब फिर मुझे कुछ अभी भी है कि अगर मुझे कोई दिमाग में आ गया ना वो मुझे करना होता है, बिकॉज वो बोल बोल के ये तो जिद्दी है, ये तो गुस्से वाली है, और बहन की तारीफें होती थी मेरी, ये तो कितनी मासूम है, कितनी अच्छी है, तो अल्लाह मियाँ की गाय है, तो वो जो कंपेरिजन था ना आई यूज टू गेट अनॉयड बाई दैट, और वो आई थिंक आज तक है कि वो देखो ये कितनी अच्छी है और इसको देखो ये कितनी तेज है, तो वो वाले इश्यूज थे हमेशा से, वो अभी भी हैं, अभी वो अभी भी लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो कितनी अच्छी है और इसको देखो ये तो बहुत तेज है, हाँ हूँ तेज, अच्छा है तेज होना चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए, आजकल मैं कहती हूँ इफ आई हैव अ डॉटर आई विल मेक श्योर कि वो तेज, यस मैं कहती हूँ आजकल अपनी बेटियों को ट्रेनिंग दें कि तेज हो, बिल्कुल जरूरी है, वरना आपका गुजारा नहीं है, वरना आपके ऊपर सब सवारी करते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी, तो मैं अपनी बहन को यही बोलती हूँ कि अब अगर उसके ऊपर जैसे कोई प्रॉब्लम जाती है तो वो बेचारी अकेले बाहर भी नहीं जा सकती, यू नो वो उस तरह का कैरेक्टर है हमारे घर का, तो वो उसको अभी भी काफी इश्यूज होते हैं लाइक यू नो वो ऑन हर ओन शी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो इट्स जरूरी टू बी टेज आपका नेक्स्ट। अरे मेरे पास तो बहुत है, हमारे अंकल आते थे घर में, मेरी बहन को बहुत ताना देते थे, क्या बात है भाई अब तो और मोटी हो गई हो, ये अंकल, हाँ अंकल क्या बात है सबका खाना खा जाती हो तुम, तो अब घर में ना अम्मी अब्बा मना कर रहे हैं, अच्छा उस जमाने में पेरेंट्स मना नहीं करते थे, मना नहीं कि अगर आपके बच्चों को कोई ताना दे रहा है तो वो बस ऐसे है कोई बात नहीं बेटा अंकल है मजाक कर रहे हैं, टीचर है कोई बात नहीं बेटा टीचर है कोई बात नहीं, हर चीज पे कोई बात नहीं, फुप्पो है मामू मामी है खाला है कोई बात नहीं,
क्यों कोई बात नहीं, तो हमें ये पता था कि हमारे लिए किसी ने खड़े नहीं होना। मेरी अम्मी ने तो वाट लगा दी थी भाई, किसी ने ताना दिया, अच्छी बात है, करना चाहिए। उस जमाने की बात बता रही हूँ, मेरी अम्मी ने तो ऐसी वाट लगाई कि किसी की कोई हिम्मत कैसे हुई आपको कहने। अच्छा, नहीं हमारे चुप, हमारे नहीं कुछ कहते थे कि नहीं भाई कह दिए कोई बात नहीं, तुम दिल बड़ा करो। तो मेरी बहन को बोलते थे, मुझे बड़ी आग लगे ना, कभी बहन ने जवाब दिया ना घर में और किसी ने किया, मैंने एक साल वेट किया ये मैं कहीं किया है। फिर एक दिन अंकल घर पे आए ना, मैंने कहा अंकल आप इतने मोटे हैं, आपका जितना पेट है आपको तो बहुत जल्दी हार्ट अटैक हो जाएगा। मतलब बड़ा सलीका शार ताना कि वो पेट आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक का ख्याल रखें क्योंकि ये तो सही नहीं, आपका बहुत बड़ा पेट हो गया अंकल, ये तो हार्ट अटैक हो जाएगा, नॉट हेल्दी। बहन का बदला, बदला। उसके बाद फिर मेरी बहन कहती थी जब वो आएंगे ना तुम पहले आ जाएगा, ऐसे बैठ जाती हूँ सर डाइटिंग नहीं शुरू किया फैट। मैंने भी शुरू किया कि जब वो आते थे मैंने पहले डायरेक्ट दरवाजे पे आओ, अंकल आपने फिर डाइटिंग नहीं की, क्या कर रहे हैं अंकल, ओहो अंकल अंकल ज्यादा गेन कर लिया है ना, मैं पड़ गई उनको। सही किया। फिर वो भागते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, काम नहीं है स्पेशली अंकल या आदमियों का दूसरों की बच्चियों को या औरतों को उनके वेट या किसी चीज पे कमेंट करना, कॉम्प्लेक्शन पे, मेकअप, नन ऑफ देयर बिजनेस। किसी मर्द को ये इजाजत ही ना दें कि आपके घर की बच्चियों के बारे में बात करें, वहीं शट अप कराना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये सबसे कॉमन फिनोमेना है कि लाइक हम दो बहनें हैं तो जरूर कंपैरिजन होता है। अच्छा, शी वाज ऑलवेज चबी, आई वाज द थिन वन, तो मुझे कहते थे आए हाय सुखी काकड़ी, उसको मोटी मोटी मोटी, तो किसी हाल में लोग खुश नहीं होते थे। नेवर नेवर हैव आई सीन देम हैप्पी कि हां यार ये फिट है, नहीं यार ये चुप कराना चाहिए। नो, बट आपको शट अप कॉल देनी जरूरी होती है, आपको उनको चुप कराना पड़ता है। यहाँ फिर वही बॉडी शेमिंग वाली बात आ गई, लेकिन ये है और ये बचपन से स्टार्ट हो जाती है। आप बताएं सादिया। मेरा बचपन का ही एक है, क्योंकि आलिया थी मेरी मुझसे बड़ी, आलिया के पहले उसी स्कूल में पढ़ी जिसमें मैं पढ़ी, फिर आलिया जिस कॉलेज में गई मैं उस कॉलेज में गई, हम उसी मोहल्ले में रहे जहाँ आलिया एक ही घर में रहते थे। हर बंदा मुझे कहता था ये आलिया की नकाल है। मैं डिबेटर थी तो मेरा लहजा, मेरे बोलने का स्टाइल आलिया जैसा ही होगा, मुझे सिखाने वाली वो, मुझे स्पीच लिख के देने वाली वो, तो यकीनन मैंने उसी से सीखा है। तो मुझे ये सबसे बड़ा जो ताना लगता था ना नकाल वाला, ये मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था हर चीज़ में। आग लगती है। तुम तो आलिया की नकाल हो, तुम क्या करोगी, तुम तो आलिया की नकाल। अच्छा, फिर आलिया ने रेडियो किया, फिर मैंने रेडियो किया, तो वो अगेन वही चीज़ें, तुम आलिया की नकाल हो, आलिया की नकाल। मेरे दिमाग में ये चीज़ चलते 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 मुझे ना हर चीज़ से आलिया से ना वो दी थी कि अच्छा मैं तो कभी कुछ ठीक कर ही नहीं सकती, जो आलिया करेगी। इवन तो आलिया ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अच्छा अब मेरे सर में दर्द होगा, सादिया के सर में दर्द हो जाएगा, अब मेरे ये होगा। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी। अभी बीच के भी काफ़ी अर्से में इसने बॉदर किया, लेकिन अब मैंने ना करने का ओके फाइन ख़त्म, खुदा हाफिज़, अब नहीं कुछ होता। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं समझ आती, उस समय बहुत तकलीफ देती थी कि भाई जैसी तुम मेरी टीचर होगी वो मुझे वैसे ही सिखाएगी। तो आलिया मेरी उस्ताद थी, वो मुझे जेर जबर ठीक करती, मुझसे स्पीच सुनती थी, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ शेर को उठाना है, कहाँ हाथ उठाना है, तो मैंने वैसे ही करना। हर बंदा लो भाई सादिया इमाम आई ना, आलिया इमाम को डिटो कॉपी। अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा ने तो इतनी कोई बराबरी रखी सारे बच्चों में। इनफैक्ट कभी अम्मी अब्बू को यहाँ बुलाए ना शो पे, मेरी बर्थडे या मेरे किसी बारे में बात करने के लिए, तो मेरे अम्मा अब्बा इतना बैलेंस रखते हैं कि वो मेरे साथ साथ मेरी जो दूसरी सिबलिंग्स हैं उनको जरूर साथ लेके चलते हैं। जबकि लोग उस वक्त उन्हें पहचानते भी नहीं थे, जब शुरू शुरू के दिन की बात कर रही हूँ मैं, तब भी वो अगर मेरी एक बात करें तो एक बात दूसरे बच्चों दूसरे सिबलिंग्स की भी, उन्होंने हमेशा इतनी बराबरी रखी। और मैं ये कहती हूँ इतना बैलेंस रखने की वजह से हमारे बहन भाइयों के बीच में कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं हुई। मतलब दूसरी बहनें, उनको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हैं। अब हम कमजोरियां नहीं देखते। कुछ ताने जो है ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग होते हैं और अच्छे होते हैं। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बड़ा एक्सप्रेसिव बहुत, हाथ हिलाने, आंखें ऐसे घुमा के बात करनी, आई वाज डिफरेंट। तो मुझे टीचर्स बोलती थी आ गई एक्ट्रेस, एक्ट्रेस या कहीं कोई ड्रामा हो रहा है, लड़कियां नहीं उसमें पार्टिसिपेट, मैंने जरूर पार्टिसिपेट करना। लड़कों का भी ड्रामा तो मैं कहती मूछ लगा के आ जाऊंगी, मैंने करना। तो हर चीज में मैंने पार्टिसिपेट करना, बट वो मुझे ताना देते थे, मुझे ताना नहीं लगता था। सीनियर्स भी ना, वो देखो एक्ट्रेस जा रही है, वो देखो आ गई एक्ट्रेस, इतना एक्ट्रेस एक्ट्रेस एक्टर बोला कि मैं एक्ट्रेस बन गई। एक दिन मैंने पूरे स्कूल के सामने खड़े होकर स्पीच दी, वो बात होती है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, डिफरेंट से पूछे, मैंने कहा मैं एक्ट्रेस ही बनूंगी।
मैंने तो बनना शादी से पहले मुझे नहीं पता मैंने क्या बनना है। इतने ताने इतना बोलते थे, हालांकि वो मुझे मुझे भी फ्रेंड कहती है तुम्हें ये ताने दे रहे हैं, मैंने कहा नहीं आई लव इट, मैंने यही तो बनना है, मैंने तो सही कह रही हूं, मैं अभी बनी भी नहीं हूं तो वो मुझे मान गए हैं, कल तो मैं बन जाऊंगी, मैंने तो बनना ही एक्टर, बनना ही एक्टर। वो कभी ना कभी फायदेमंद हो जाए, मैंने जलील कर रहे और मैं ऐसे होती थी क्योंकि हम नकल उतार देते ना नदी, याद है टीचर्स, कोई टीचर उसकी नकल उतार दी, हर चीज में ड्रामे में एक्टिव है, इसमें स्पीच में एक्टिव है, वो इनबिल्ट होती है ना, इनबिल्ट चीजें, मुशायरे में एक्टिव है, तो हर बंदे को ये होता है पढ़ाई में नहीं कुछ, बस यही करवा लो, पढ़ाई में नहीं, हालांकि पढ़ाई चल रही है भाई, चल रही है और क्या करें भाई, एक्टर मैंने कहा वो तो मैं हूं। अच्छा तो जिसमें बेस्ट है उसमें अपना बेस्ट करके दिखाया ना, ये भी तो देखिए उन्होंने मुझे डायरेक्शन दे दी, मेरी को नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ मेरे अंदर, सही बात, सही है ना भाई, टप्पा लगा दिया जबान को नकारे खुदा जानो, आपने बता दिया था, मैंने बताया सना पहले से सोच के रखा कर मेरा शो ड्रैग, सोचा हुआ है मैंने, सोचा हुआ है मैंने, हाँ ढूंढ रही है ढूंढ रही, अरे वो नजर नहीं आएगा कैमरे में, अच्छा ठीक है तो भाई दूसरा ताना, मुझे मेरे माँ बाप ने कभी कोई ताना नहीं दिया, मेरा मियां ही देता है माशाल्लाह सारे ताने, अगला ताना है ये सारे कपड़े कहाँ लेके जाओगे, एक्चुअल में कहते कवर में लेके सारी औरतों को मिलते हैं, अच्छा नहीं लेकिन मेरी हद है, मेरे पास ग्रेड 8 की भी अभी तक पैंट्स पड़ी हैं, उई हाँ फिट आ रही है वो, हाँ मुझे बहुत शौक है अपने, मैं कपड़े अपने नहीं देती क्योंकि मुझे कोफ्त होती है, मुझे प्यार होता है अपने कपड़ों से, लाइक लिटरली रखती कहाँ, रखती कहाँ स्पेस कहाँ, तेरी अलमारी या स्टोर, ये ताना बनता है ना फिर यार, हम आपके साथ हैं, मतलब मेरी अभी कुछ सालों पहले जो है ना बारिशों में मेरी एक अलमारी थी उसमें सीलन हो गई, वो कपड़े मैंने सालों से नहीं देखे थे, तो जब निकाले तो उसमें वो फट रहे थे, काई लग गई थी उनमें क्योंकि वो दीवार वो मैंने इनबिल्ट बनाई हुई थी, तो मेरे घर में भंगड़े हुए हैं, मिन्हाज वो सो हैप्पी, अल्लाह तेरा शुक्र है, चीज बताओ अगर वो कपड़े तो किसी को दे देते तो इस्तेमाल में आ जाते, हाँ लेकिन मुझे ना वो बहुत शौक है जमा, लेकिन उससे एक कुछ सबक तो सीखो, हाँ नहीं उसके बाद मैंने दिए थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं दिए लेकिन मेरी एक अटैचमेंट उससे, दो सबक हो गए कि अलमारियां साल में 2 से 3 दफा ठीक देखनी चाहिए, धूप कपड़ों को लगानी चाहिए और वो कपड़े पहनने भी चाहिए, जब भी अलमारी मतलब देखते हैं ना बंदा तो खुशी होती है, समझ नहीं आता कि अच्छा ये निकालने वाले तो नहीं, ओ वाव ये भी था मेरे पास, चलो आगे प्यारे लगते हैं आपने अपने हर साल का एक वो कहते हैं ना, आपने अपने आप से वादा, अब मेरी वार्डरोब में सिर्फ उतने कपड़े जितने मुझे जरूरत है, मैंने सब निकाल के अपने कजन्स, अरे भाई दैट्स व्हाट माय हस्बैंड डज यू नो, वो पूरी अलमारी हर सीजन में निकलती है और जो कपड़े होते हैं वो दे दिए जाते हैं, एक ताना सबको मिलता है, औरतों को अच्छा कपड़े नहीं है, हर हर इवेंट पे नया कपड़ा बनाना अच्छी ताना मिलता है, अब तो ये बात मेरी बाई नहीं होती, जब भी मैं कोई जैसे शो आ गया या कहीं जाए यार ना मेरे पास कपड़े, चुप करके बैठ जाओ वहां पर, तो बहुत कपड़े निकाल दो उन्हें, तो ये सबसे एक मेजर ताना आजकल मुझे मिलता है, खुदा गवर से कपड़े फेंक दो कपड़े दे दो, हाँ जी ना जी, हाँ जी मेरे तो भी बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स पे आए हैं अभी, किसी बचपन में, बचपन में वही कि तुम काम क्यों नहीं घर के करती, अगर कोई बुजुर्ग आंटी आ जाए तो घर के काम सीख लो, शादी के बाद क्या करोगी, इनका शादी के बाद जॉब करूंगी और लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, मैं क्यों करूंगी, मुझे तो ये लगता है कि कुक होना चाहिए, कुछ सफाई वाला होना चाहिए, मैं पढ़ाई कर लूं ताकि कल को ये अफोर्ड कर सकूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या रॉकेट साइंस है स्त्री और सफाई में, तो आ जाते हैं ये करने, आप करते हैं यार, मैंने किए हैं उस वक्त नहीं जरूरत पड़ी, ये एक और भी था, मेरे अब्बा बचपन में हमें कहते थे कि बच्चियों का किचन में कोई काम नहीं, हम उसमें बड़े हुए, वो बैटमैन वगैरह होते थे, अब्बा को नहीं अच्छा लगता था तो उन्होंने हमें किचन से दूर ही रखा, लेकिन मेरी कुछ रिलेटिव्स को आंटीज को बड़ा मसला होता था, आई बाद में क्या होगा शादी के, जैसे पता नहीं क्या होगा शादी दे लग जाएगी, शादी को नारी नहीं आती, किचन तेरे नाम हो जाना है, किचन मुझे, मुझे एक आंटी है अच्छे से मुझे याद है, क्योंकि वो जब घर में एंटर होती थी वो कहते हैं इसको काम करते भी नहीं देखता, हालांकि मैं आगे कितने काम किए हैं यार, लेकिन और मैं करती भी थी, अब ये शूट से आई हूँ थकी हूँ ये वो, ये मेरी मम्मी को कहना कि घर के काम करो, मम्मी ने कहा तुम्हें पता है कितना पागलों वाला काम करती है जो तुम और मैं नहीं करते, ये वो फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट होके आती है शूट वूट ये ट्रैवल करके, अब मैं से कहूँ कि तुम घर के काम क्यों करे, लेकिन लोगों को लगता था क्योंकि मैं घर के काम नहीं करती तो मैं तो बिल्कुल ही हूँ फजूल हूँ और मेरा पता नहीं शादी के बाद आगे क्या हो जाएगा, कि जैसे भी मैंने कहा मैं शादी उससे करूंगी नहीं जो मुझसे काम करवा मैंने तभी नहीं करना, मैं भी चढ़ गई ना, मैं कहा नहीं करने नहीं करने एक छोटे सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ताने ही ताने, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी. आज हम हाय अपने दुखड़े रो रहे हैं. वो ताने जिन्होंने हमें इंसान बनाया, और वाकई कुछ ताने आपको इंसान बना देते हैं. वो ताने जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, वो ताने जो मजाक मस्ती में बोले गए लेकिन वाकई उन्होंने दिल पर खंजर की तरह वार किया. सो आपको ज़िंदगी में अलग अलग ताने अलग अलग लोगों से मिलते हैं. और इस वक्त तीन सेलेब्रिटीज़, थोड़ा थोड़ा मैं भी बता रही हूँ अपने तानों के बारे में. जैसे कि मेरा रह गया था किसी कोई शादी वाला घर था और सारी दोस्तें सब लोग हेल्प कर रहे थे, तो हमें किचन का कोई काम आता नहीं था उस टीनेज में, क्योंकि हमारे घर में खानसामा जो है वो आदमी होता था और अम्मा अब्बा की तरफ से अलाउ नहीं था किचन में कदम रखना, कि भाई वो मेल खानसामा है तो आप लोगों ने किचन में नहीं जाना. तो आता भी नहीं था. अब आप माचिस नहीं जलाते, तो एक हमारे पास वो था, वो जो नहीं लाइटर होता है, उससे माचिस चलाने की प्रैक्टिस नहीं थी. वो शायद कोई गीली माचिस, मैंने कहा आंटी लाए मैं चाय बना दूँ. हाँ ऐसे ही ना, वो जरा हेल्प करने के लिए सब कर रहे थे हेल्प, शादी वाला घर. तो आंटी किचन में कोई और काम करने लगी, तो मैंने माचिस एक दफ़ा जलाई, नहीं जली, शायद गीली थी वो. दूसरी दफ़ा चलाई, तीसरी दफ़ा चलाई, नहीं चली. तो तीसरी दफ़ा जब नहीं चली तो आंटी आई जिनके घर में शादी थी, कहने लगी दूसरे घर भी जाना होता है लड़कियों को, ज़रा किचन में कुछ सीख लेती. बड़ी बहुत ही बुरे तरीके से ताना दे के चली गई. दिल में सोचा अल्लाह एक तो काम करी ऊपर से ताना नहीं की आदत से किसी और बात पे सड़ी होंगी. और ये भी होता है कि आपको गुस्सा किसी और बात पे आ रहा होता है लेकिन आप किसी और उतारते किसी और कमजोर पे छोटे पे सुना दो उसको ताना. माशाल्लाह दूसरे घर चली भी गई, 21 साल गुजारा घर भी, माचिस चलाए बगैर भी. और शुक्र है जब खाना बनाती हूँ तो तारीफ भी करते हैं लोग. आजकल के बच्चे तेज हो गए हैं, वो नहीं सुनते आजकल. हाँ. बहुत सारे बच्चे, पहले हमारे बहुत लोग सुन लेते थे, अब बच्चे नहीं सुनते. अब तो हमने नहीं जवाब दिए नादिया, हमने कभी नहीं जवाब दिए, लेकिन हमारे बच्चे नहीं सुनेंगे. मुझे तो इसीलिए शायद फिटकार मिलती थी क्योंकि मैं आगे से जवाब देती थी. सीरियसली मैं जवाब दे देती थी. अब ये चाय वाले वाक्य से मुझे याद आया कि मेरी एक आंटी थी, वो शो भी देख रही होंगी. जब आए मेरी बहन को ना वो जलील करें, इसका चाय नहीं, मैं सना सना चाय बना दो, बना दी है ना, 10 बार बना दी जाए. 11वीं बार फिर वो मेरी बहन, बेचारी बड़ी बहन है मेरी, उसको जलील किया. तो मैंने कहा आज आंटी मैं आपको ऐसी चाय पिलाऊंगी आप पूरी ज़िंदगी याद रखोगी. मैंने चाय बनाई, 2 चम्मच चीनी लेती थी, उस 2 चम्मच चीनी की जगह मैंने 2 चम्मच नमक डाल के उनको वो चाय पिलाई. एंड आई मेड श्योर शी फिनिशेज इट. उस वो दिन, आज का दिन, उन्होंने कभी हमारे घर में चाय नहीं पी. I made sure I killed that buzz for her कि वो जब आएंगी उस बिचारी को बोलूंगी तुमने क्या पानी जैसी चाय बनाई, सारा तुम बनाओ चाय. हाँ ये होता है. उनको मैंने पिलाई नमक वाली चाय, उसके बाद उनकी चाय खत्म हो गई. हमारे घर एक राइटर आते थे चाय पीने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए. हमारे घर की चाय कड़क चूरों चाय नहीं होती जो स्ट्रॉन्ग और बड़े मजे की पकी हुई चाय पत्ती वाली, वैसी होती है. सब वैसे ही पीते थे घर में. सो हम बड़ा एक होता है ना फखर होता है हमारे घर की चाय. वो राइटर आए और बेइज्जती करके यासिर की चली जाए, चला जाए. उफ तुम्हारे घर की चाय तो तौबा. एक वाहिद इंसान, अब यासिर का यार क्या करे समझ नहीं आ रहा. ये एक वाहिद इंसान लाइफ पीते होंगे या वो दूध अलग और चाय अलग. अगली दफा हमने यही किया, आए जब 5-6 दफा बेइज्जत करके चले गए यासिर को कि तुम्हारे घर की चाय तो तौबा, अल्लाह माफी करे. यासिर ने बोला आके दा ऐसी चाय रखवाना बस उस वो पानी पके नहीं, पानी रखो पत्ती डालो, उबाला भी नहीं आए, कच्ची चाय उठा के दे देना. मैंने कहा अच्छा, ऐसे ही किया, ऐसी चाय जो हम कभी ज़िंदगी में पिए भी ना. जब उसको वो दी तो कहने लगा ओहो ये होती है चाय. उनको टी बैग वाली की आदत, ये होती है इसको कहते हैं चाय, ये है ना. तुमने लगता है कि नहीं, हम लोग भी जब पिंडी पिंडी से आए थे तो हम लोग को आदत थी वो सेपरेट चाय और दूध की, अलग आदत थी. मुझे अभी तक आदत है कि मेरी चाय स्ट्रॉन्ग बनती है लेकिन वही कहवा अलग होगा और दूध अलग गर्म होगा. तो मैं भी पकी हुई चाय नहीं पी सकती, पकी हुई मुझे थिक लगने लगती है, मुझे हैवी लगती है. मुझे चाय चाहिए होती जिसमें चाय की खुशबू आए. अच्छा चलो, हैविंग सेड दिस, ये तो बड़ी लाइट सी चीजें हैं जो बाद में जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती उनका जब ताना मिलता है, जैसे औलाद नहीं, शादी क्यों नहीं हो रही भाई, नहीं और शादी हो के अगर डिवोर्स हो गए भाई क्या हुआ था. नादिया
ये बड़ी तकलीफ। नादिया तुम्हें याद है जब तुम मॉर्निंग शो करती थी और तुमने बेबी पैदा किया था, उस वक्त जाहिर है तुम्हारा वजन ज्यादा हुआ था। बिल्कुल, उस वक्त भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी तुम्हारे पीछे पड़े थे और अपने अपने शोज में शो पे मजाक उड़ाया, शो पे मजाक उड़ाया था बाकायदा। या मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकती कि वो तो इस सोफे पे भी फिट नहीं आती। मैंने कहा ओ माई गॉड, इस वक्त उसने बच्चा पैदा किया है भाई। साहब और एक साहिबा थी जो मैं हैरान थी कि वो औरत उसके अपने भी बच्चे उसने भी पैदा किए उस होस्ट ने, और वो एक आदमी के साथ मेरा मजाक उड़ा रही थी। और वही वाली बात कि चलो औरतें तो एक दूसरे को कहती है आदमी, आदमी कैसे कह सकता है। और मैं आज तक और वो हंस रही ऐसे, मैं आज तक नहीं भूली। मैंने कहा यार बंदी ने बच्चा पैदा किया है, वो तो टीवी पे बैठी है। ऐसे आम जिंदगी में कितनी औरतें गुजरती होंगी इस वक्त से, बिल्कुल, उनको अभी बच्चा डिलीवर किया आई है, बिल्कुल कि क्या यार क्या हाल कर लिया तुमने, ओफ अल्लाह कितना गेम नहीं हाल तो बनाना। छोड़ो, मुझे अपने याद है कि जब मैं जर्मनी में थी, मीरा हुई है, ऑपरेशन से हुई है, एंड सेकंड डे उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। वहाँ तो कोई तीन दिन रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड अदनान ने ला के वो बैग रखा और करके खाना बना लूँ कि ये लाऊँ। मैं यूँ शक्ल देख रही हूँ, मैं कहा हेलो, अच्छा हाँ अभी तो तुम्हारा नखरा चलेगा। यार ये पहला दिन है। किसने कहा ये? मेरे मियाँ ने। तो मियाँ बड़े पूरे होते हैं इस मामले में। मैं तो फिर मैं तब तक ना बच्चा ने बच्ची ने कोई मुझे ताकत दी, मैं कहा लेकर आओ, बाहर से लेकर आओ खाना, मैं नहीं पकाऊंगी। नहीं बट हाउ कैन अ वुमन गिव दिस था ना, मतलब उनके अपने बच्चे नहीं थे क्या? आई डोंट नो, डिड शी गो विद द चेंज? जेलसी, जेलसी आप किसी भी हद तक ले। और उस वक्त वैसे ही आप जब आपका सवा महीना होता है आप सेंसिटिव हुए हुए होते हैं, बहुत सेंसिटिव। आप इसने तो पूरे बच्चा पैदा किया होता है, आप पहले शो किया, बीच में हॉस्पिटलाइज हुई, और दूसरा किसी को होता है कि आपको प्रेगनेंसी में नॉर्मल वेट हो जाता है क्योंकि आपके दूसरे मेडिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, खाने से नहीं होता, खाने से नहीं होता, मेरी शुगर हाई हो गई। ये वाले जो ताने ना मुझे सबसे बुरे लगते हैं। अच्छा अब एक बच्चा हो गया, दूसरा नहीं पैदा करना। मैं यही एक बेटी, यानी दो बेटियां एक बेटा का होना चाहिए। सुनती हूं ये 9 साल की होगी, अब तो सोच लो कुछ। अरे इसका क्या इलाज है? क्योंकि ये आपके इतने करीबी रिश्ते वाले, खासतौर से ससुराल वाले अगर आपके करें, ये बड़ा हर्ट करते हैं। फिर ये कि शादी और शादी क्यों नहीं हुई, अब इसकी शादी कब करनी है, शादी कब होगी? अच्छा मैं तो नहीं, अगर लड़की नौकरी कर रही है और थोड़ी सी मेरा ये है मैच्योर हो गई है तो शादी होगी ही नहीं। मैंने लिखा exactly. वही था ना, तुम्हारी तो शादी होगी, शादी नहीं, ये नहीं, शादी वादी नहीं करनी क्या? शोबिज में आने के बाद तो सबसे पहला ताना था बस भाई अब तो इनकी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं नहीं अब तो मुँह को पैसा लग जाएगा, अब तो देखना अब इनकी शादी नहीं होगी, इनको जो भी मिलेगा वो भाई दो बच्चों का बाप ही मिलेगा। मतलब और पेरेंट्स को बड़ा सुनना पड़ता है लोगों को। मेरे माँ बाप ने जितना लिया, क्योंकि एक सैयद घराना शिया फैमिली से आना, मैं रोज अम्मी पापा को ना उस वक्त से गुजरता देखती थी और मैं अंदर रोज स्ट्रांग होती जाती थी। ओके फाइन, मैं इन सबको गलत करके सब दिखाऊंगी। ओके फाइन, मैं इन सबको यही हुआ जब थोड़ी सी मिच्योर, मैंने कहा अम्मी पापा आप जिससे कहेंगे जब कहेंगे मैं शादी कर दूंगी, पर ये जो मेरे टास्क है ना इनको मुझे पूरा करें, क्योंकि अब मैंने इस कीचड़ में कूद गई हूँ, अब मैं बिना अपने सारे टास्क पूरे किए नहीं निकलूंगी। ये नहीं हो सकता कि मैं गोभी खाऊं, मैं इनके ताने भी सुनूं और मैं काम भी पूरे ना करूं। तो जो मेरे टास्क है वो मैंने पूरे किए, देन उसको मैं क्या आप जिससे कहेंगी। तो अल्लाह का और कुछ चीज़ें ना आपके रब ने अपने साथ रखी होती है, दुनिया जाए कुछ भी कर ले, नसीब का खेल है। आपका कनेक्शन उससे स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है। माशाल्लाह मियाँ भी मिला, यंग भी मिला और अनमैरिड भी मिला और बच्चा भी हो गया, तो मतलब मैं समझ नहीं आ। अच्छा अब अगर हम ये बात करें जो बहुत सारी खबर, और इवन जब दान का रिश्ता है तो हमें बड़ा लोगों ने कहा था चेक करो वहाँ 2-3 बीवियाँ तो होंगे अभी। हाँ। मतलब ये बेयर करती है सारी। अच्छा अब अगर हम ये बात करें, देखो हम मतलब खुद ब खुद इन सब चीज़ों की वजह से हम स्ट्रॉन्ग खवातीन बन गई, तो अगर एक आम औरत जो हमें देख रही है और जो रोज़ सहती है ताने अलग अलग किस्म के, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, वो ढीठ कैसे, उसको ढीठ कैसे बनाए हम लोग? अभी एक बड़ा एक बार दो ताने इस्तेमाल करें, जवाब मुंह पे लग जाएगा, जवाब देने पड़ेंगे, उस पे आपको डांट भी पड़ेगी, लेकिन जवाब देना आपका जरूरी है ताकि ये अब्यूज, ये अब्यूज है, ये वर्बल अब्यूज है और ये खत्म होनी चाहिए। और आपको बोलना चाहिए, अगर कोई आपके लिए नहीं बोल रहा, सास चुप है, मियाँ चुप है, आपको बोलना है, कोई बात नहीं, नाराज हो जो भी हो, आपके ऊपर अगली दफा हिम्मत नहीं होगी, टॉपिक्स पे काम होना भी शुरू हुआ। और ना थोड़ा सा ना आपके आपसे डरना चाहिए लोगों को कि यार ये जवाब दे देगी ना तो मेरी बड़ी हो जानी है बेइज्जती। तो एक दफा हिम्मत करके सुना ही दे, क्योंकि वही बात में पता है इट्स अब्यूज, अब्यूज लेनी भी नहीं चाहिए आपको।
तो सुना दें कि नहीं वो बड़ी हैं ये वो, बस सुना दें, घर में हंगामा होने दें, बर्तन टूटने दें, उसके बाद ठीक हो जाएंगी। जो रोज आपका दिल टूटता है क्योंकि इट्स किलिंग यू स्लोली, नहीं होना चाहिए फिर बच्चों पे, लड़के पे। खवातीन के को भी ताने मिलते हैं, लेकिन लड़के को उस वक्त सबसे ज्यादा जो तकलीफ और दुख होता है जब वो पढ़ लिख के जॉब ढूंढ रहा होता है, उसका करियर स्टेबल नहीं होता, वहाँ उसको भी वो ताने बेयर करने पड़ते हैं, बीवी से, नौकरी ससुराल या अच्छी नौकरी बच्चों नहीं है से यार अब तो वो भी इस माशरे में ताने बेयर करता है। खाली हम औरतों की बात नहीं कर रहे, हम अब मर्दों की भी बात करेंगे कि क्या कमाते हो, कम कमाई है, कम मतलब वो कितनी भी मेहनत कर ले और उसको ये पैसों के ताने और ये सब सुनने नौकरी नहीं है और रिश्ता लेके जाना है, किसको लड़की को पसंद कर लिया, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं भाई लड़की की तो जल्दी शादी है, रिश्ता लेके। लॉजिक नहीं है कि हमें यंग लड़का चाहिए और सेटल चाहिए, अ यंग लड़का कैन नॉट बी सेटल्ड। वो बेचारा उसको थोड़ा सा तो 30, तो अगर खवातीन ताने बेयर कर रही हैं तो कहीं मर्द हजरात भी ताने बेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कोई कभी कभार खवातीन के ससुराल वाले भी अरे लड़के इस बात पे भी ताने बेयर करते हैं, अगर लड़का कोई पसंद की शादी करके ले आया और उस लड़की से कोई चूक हो गई है, देख तुमने खुद ही पसंद की, तुमने ही पसंद की थी, हमें तो पता था कि मोहब्बत की शादी से ये रंग, अरे मतलब आप भी थोड़ी स्पेस दें उस लड़की को, आप सबसे पहले कबूल करें कि है मोहब्बत की शादी लेकिन ये है हमारी बहू। कुछ ज्यादा जो परसेंटेज है औरतों की है जो ताने देती हैं, ये एक औरतों के अंदर है। मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट ये है कि आप अपनी जबान को ना कंट्रोल करना सीखें तो आप एक एम्पावर्ड औरत बन सकते हैं। एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि जाके अपने हक के लिए आप लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एम्पावरमेंट इज ऑल्सो दैट यू control yourself and you support the other woman. आप ये है, ये तो एक स्ट्रेंथ है हमारे अंदर है, तो हमने अपनी जबान को कंट्रोल करना है। मौला अली का कॉल है कि आपका ज़र्फ जो है आपके जबान के पीछे छुपा है। आपकी जबान से निकलने वाले वर्ड्स आपको बताएंगे कि आपका कद कितना बड़ा है। अब आप चाहे 5 फुट 9 इंच की हो, बीच में सब इतनी सी निकलेंगी अगर आपकी ये तानों वाली और कॉन्शियस हो जाए कि मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं करना, मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं करनी, क्योंकि औरतें ज्यादा उनमें टेंडेंसी होती है करने की। जितना आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे आप पे अप्लाई पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। आप ढूंढें अच्छा अच्छा कभी कभार आप ढूंढें इसकी पॉजिटिविटी क्या है। सादिया मैं ये कहना खुद दिख जाए, सादिया मैं कहना चाहूंगी कभी कभार ना जो हाउस वाइफ होती हैं कभी कभार वो हस्बैंड्स को थोड़े ताने देती हैं, बिल्कुल देती हैं, घर जल्दी कैसे आ गए, भिगो के दे, आज फूल लेकर आ गए, खैरियत तुम, लाइक वो भी बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है कि हम उनका फेवर कर रहे हैं कहीं कहीं तो रीजन बहुत काम कर रही है, मर्द ना कर रहा होता है पहले अपनी जिंदगी में, या आपके घर से बड़ा मैटर करता है। देखो वो बेटर होती है वो घर में अगर होती है और कभी उन्होंने नौकरी नहीं की होती तो उनको उस आदमी की तकलीफ का थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता कि वो उसको ट्रैफिक में, उसको जॉब पे क्या क्या चीज़ें सुननी पड़ती हैं, क्या क्या ताने होते हैं बेयर करने पड़ते हैं। यार हमारे एक जानने वाले उसने खुद, लड़के ने 3 दफ़ा खुदकुशी अटैम्प्ट करी सिर्फ अपनी बीवी और मोहब्बत की शादी, और क्या कि लड़की की जॉब हो गई, लड़की ने ज़्यादा जल्दी तरक्की कर ली, लड़के को थोड़ा टाइम लगता है, वो जब कमाने ज़्यादा लगी, तुम यकीन मानो कि उसने अपने मियाँ को टॉर्चर, आप देखें मैं क्या कमा रही हूँ तुम क्या कमा रहे हो, मैं क्या कमा रही तुम, वो कह रहे हैं मैं तो जो कमाता हूँ तुम्हारे अकाउंट में आता है, मैंने तो अपना अकाउंट तक नहीं अलग किया, तो मुझे पता ही नहीं मैं साल में कमाता कितना हूँ। उसका ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से, वो एसोसिएट या इस तरह, तुम यकीन मानो उस औरत उसे पागल कर दिया। तो कभी कभार आपका स्पाउस जो है ना वो आपके लिए सही नहीं होता, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। और लड़के भी अब्यूज होते हैं, लड़के भी स्ट्रेस में जाते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तो ये ख्याल करना चाहिए। जबान से ही तो हम सबको इतनी तकलीफ देते हैं, वरना कहते हैं ना हमने क्या बुरा किया, कभी क्यों बुरा हो रहा है, आपके साथ इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि आप दूसरों को हर्ट कर रहे हैं अपनी जबान से। ये बहुत बड़ा हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है आपके जो मुंह में ये जबान है, और ये वापस नहीं आते कहे हुए लफ्ज। वो कहते ना कमान से निकला हुआ तीर पलट के नहीं आ सकता, निकल गया, बिल्कुल गया आपके, चीर पहाड़ गया आपको, सो वो वाली चीज़। एक हमारी आंटी ना, जो अब अम्मी बताती हैं कि हमेशा कहती थी हाय चार चार कुड़ियाँ चार बेटियाँ, 21 पुत्र, मेरे तो 4 पुत्र हैं, ना बड़ा सुकून है।
भाई तारा की करेंगी तू, चार चार कुड़ियां जब घर में आना, चार चार कुड़ियां, ओह माय गॉड, इतनी मुझे तकलीफ होती थी। अब उनका कोई उनकी कोई बेटी नहीं थी, चार बेटे थे, तो अम्मी को बार 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 बोलना, हर वक्त गुजरा फास्ट फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि वो आंटी इतनी बीमार है और उनके मुँह से मैं खुद देखती हूँ एक बात निकलती है, काश मेरी बेटी होती। अल्लाह, क्योंकि अब बाथरूम ले जाना, बात करना, एहसास करना कोई है ही नहीं। बच्चे अपने सेटल हो गए, इधर चले गए, उधर चले गए, नहीं कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, अच्छा बेस्ट बात, उस दिन एक मासी ने उनको आके कहा, हाय आंटी जी, काश थोड़ी ती होती, काश आपकी बेटी होती। वो ताना बेटी मैंने से कहा, शायद उनकी अजियत ही इतनी लंबी है क्योंकि अल्लाह दिखाना चाहता है, ये देखो तुम दूसरों को बेटी का ताना देती थी, आज तुम्हें बेटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं कहना चाहिए, और ये आते जो ना ताने वापस आते हैं, बिल्कुल ही तरह आते हैं, और तब आते हैं जब आप कमजोर, ज़ईफ, मजबूर हो, तब ये वापस आते हैं। ये ऐसा ही है, दिस इज लाइफ, कारमा जो जाएगा वापस आएगा, और बड़े मजे से आएगा और डबल आएगा। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, खुदा का खौफ करना, बिल्कुल बिल्कुल वापस आती है। हाँ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, अब हम इजी वाली बातों पे आते हैं थोड़ी। हाँ जो, हाँ जो, हाँ देखिए, दूसरा था ये पता नहीं कौन से नंबर का, ये भी मेरे मियां के ही ताने, इसके इजी ताने थे ना, इसलिए बहुत इजी ताने। जब प्रोग्राम जो है ना वो बहुत गंभीर हो जाता है, तो मैं तुम्हारी तरफ आती हूं। देखिए भाई, मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूं, लेकिन एक चीज मुझसे नहीं बनती। क्या? रोटी, चावल। मेरे चावल भूस जाते हैं, और वो मैंने अलग अलग खड़े खड़े चावल नहीं सिखाऊंगी, और जो माशाल्लाह चावल में सिरका डाल दिया सब करके देला चावल, चावल की कभी खराब ही नहीं होगा, सेला भी पिचका सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम चावल की फिर की बात सीख के जाना, मैं आज एक कप बना के देख लेना। हाँ, अब वो खाने वाला खाए तो पहले वो उन्होंने खाने ही छोड़ दिए मेरे हाथ के, जहाँ में बिरयानी भी खिचड़ी लगती है। हाँ, ये तो शर्म की बात है। And I've done everything. और पता है इसमें कोई नसीब का कसूर नहीं, आपका ही कसूर है, ठीक करना है, पानी कम डालो या ज्यादा डालो, होता क्या है इसका एक सिंपल हिसाब है, दो कप चावल है। अच्छा, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक में हम सना अस्करी को हम तीनों डेढ़ कप चावल उबाल बर्बाद हो गई। देखते रहिए ताने ही ताने। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं और ताने ही ताने में के शो कर रहे थे, और सादिया के बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ गया, तुम जाओ तो कोने में, हाँ जाना है अगर तो चली जाओ, कोई मसला नहीं, वो मॉर्निंग शो है लाइव, तो ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ हम चावल पे बात करते कि हम सना अस्करी कुछ अब बना लोगी ना। हाँ इंशाल्लाह, मैं सही बनाना, अगले ताने की खबरदार, कुछ टेंशन है अगले ताने की तरफ आते, पूरी दुनिया को क्यों बता रही टेंशन हाँ, तो नादिया आई अगले ताने की तरफ चलती यार। अगला एक फ्रेंड्स का भी ताना होता है, ठीक है ना, कि तुम, अरे तुम तो मिलती ही नहीं, तुम तो फोन ही नहीं करती, तुम तो पार्टीज पे नहीं आती, तुम बड़ी मसरूफ हो, लो जी सेलिब्रिटी आ गई, नहीं बड़ी मगरूर हो गई हो, तुमने कहा ना शादियों में दिमाग खराब जो ना, कुछ लोग अच्छा, कुछ बचपन की फ्रेंड्स इनका बुरा नहीं लगता, आपको पता है मजाक कर रहे हैं, बट सम आर रियली मीन, जो आपको वाकई पॉइंट मार रही होती हैं, तो वो भी मैंने फेस किया, वो भी मैं देखती हूँ कि कभी एक मुझे बचपन में ऐसी जहर लगती थी दोस्त, में से भी 25 साल बाद मिली वैसी जहरीली उसने फिर वही हरकतें शुरू, खाने के 15 मिनट में हमारा फड्डा हो गया था, बहुत बिजी हो गई हो, और उन्हें बदतमीजी इरिटेटिंग वाली, और ये वो सारा ना, तुम लोगों के तो काम में ये, और बड़ी सेलिब्रिटी है, मैं देखती हूँ तुम्हारी तस्वीरें, और वो जब शुरू हुई ना, मैंने कहा यार ये इसको उठाओ यहाँ से, ये मैंने कहा इसको कहा था नहीं बुलाना, ये 25 साल बाद भी मैंने कहा तुम नहीं बदली, तुम आज भी वैसी सड़ी भी हो, तुम्हें नहीं कोई चेंज आया, कि तुम में बड़ा चेंज आया, मैं कहा तुम में कोई चेंज नहीं आया, तुम वैसी सड़ी भी हो। अच्छा अब हम उस पर आते हैं कि हम भी तो अपने बच्चों को ताने देते हैं, हम भी तो देते हैं ताने, तो हम जो ताने देते हैं वो क्या क्या होते हैं, चलिए जी शुरू हो जाए सना। आईपैड, आईपैड के ताने बहुत, रख दो अब तो मैं छुपा देती हूँ, और वाकई जब छुपा दो ना तो बच्चे को याद भी नहीं होता,
इफ यू प्ले विद देम, आप कोई एक्टिविटी कराते रहे, बच्चे बिल्कुल नहीं मांगते, तो वो आईपैड के ताने होते हैं यूजुअली। खाने पीने के ताने मैं बहुत देती हूँ, फ्रूट नहीं खाते हो, देखो जरा कैसी शक्ल हो गई है, खाने पे भी सनब्लॉक नहीं लगाते, फ्रूट नहीं खाते, क्रीम तो लगा लो, होंठ फट रहे हैं, क्या हो गया, मतलब हम लोग ये वाली चीजें तो बहुत। और आईपैड और फोन तो मैंने तो एक दफा फोन उठा के पटक भी दिया था, मेरे बेटे के नंबर कम आए थे और मुझे लगा सारा जो दारो मदार है वो फोन की वजह से हुआ, ये मैंने फोन उठा के पटक दिया, अपना ही नुकसान किया। नहीं, मीरब के नंबर वगैरह अच्छे आते, मीरब को खाने पे डांट पड़ती है। हाँ। डांट भी क्या पड़ती है, मैं उसी पे वो चीख रही होती हूँ कि उसको एक तो केला नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, मम्मा नो आई डोंट वांट, मुझे इसकी स्मेल, ये मैं कह ये आपकी इस एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको हम फ्रीज करके किसी भी तरह लेते हैं, वो पकड़ लेती है। उस पर होता है कि अब इसको ख़त्म करो, तुम बाकियों को देखो, फ्रूट्स को उसको आदत डाली, चीज़ों को इन चीज़ों पर ताना पड़ता है। हाँ, ये मोबाइल जो अक्सर पेशता है ना, कंबल के अंदर भी चल रहा होता है। तो मैं कंबल ही उठाती, क्या 8 बज गए थे सोने का टाइम के लिए, मम्मा 8:30 पे लेटना है ना, तो बस थोड़ा सा देख लो अपने। अच्छा, मैं ये परेशान और हैरान होती हूँ, जब हम लोग छोटे थे हमने कभी अपने माँ बाप को ये नहीं कहा कि हम बोर हो रहे हैं। नहीं, हम बोर नहीं होते, बोर होते ही नहीं थे हमारे बच्चे। मैं तो बालाज वो मतलब जरा देर के लिए आईपैड हटाया कि भाई एक घंटा लो, टाइम बनाओ, तो जब तक वो आईपैड हाथ में नहीं है, और मैं रिदा के शो पे बेस्ट कॉफी पी रही हूँ। सर्दियों में मुझे खाना ना दो, मुझे 10 दफा कॉफी दे दो, हर मैं पीती रहूंगी, मैं पीती रहूंगी। बेस्ट कॉफी, थैंक यू टीम, थैंक यू। सुनादिया क्या ताना देती है? मेरा मसला है मेमोरी। अच्छा, मेरा मेमोरी का शदीद प्रॉब्लम है, मैं मुझे याद ही नहीं कल क्या हुआ था, तो मैंने ताने तो वो दे ना जिसको याद हो पुरानी बातें, आलिया वाला हाल है, मुझे तो भूल जाता है। तो मैं गजनी अजान कहते हैं, मामा जब मैंने वो किया था तब तो आपने कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा वो कब हुआ था, वो कौन सी बात। तो मेरे लिए तो ये बड़ा मसला है कि पुरानी बातें नहीं याद रहती, करंट जो आज की होगी चीज तो वो फिर मैं उसको कह दूंगी, बट पुराना मुझे शुक्र याद ही नहीं रहता कि क्या बातें हुई थी। बट एक चीज, क्योंकि देखिए डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों के डिफरेंट मसाइल, अलीजे माशाल्लाह अब सेफ जोन में आ गई है ना, 20 क्रॉस कर ली, क्या छोटा है, ये जो मिडिल के बच्चे हैं ना खतरनाक, वो उनको जो है ना दुआ और डंडे की बहुत जरूरत होती है, उनको डांटना, और ये मैं उसको बस बार बार यही बताती हूँ कि ये जो दोस्त है ना ये मरवाते हैं। हाँ, कंपनी मैटर्स है। बार बार जो याद रहती है मुझे बात, वो ये कि तुम्हारे फ्रेंड्स खुद पढ़ लेंगे, एग्जाम दे देंगे, तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, और तुमने फिर नंबर नहीं लेने। और ऑड टाइम पे बुलाना, ये फ्रेंड्स मरवाते हैं। अच्छा, तुम यार उस लड़की से जरा बात कर लो ना, ये मम्मा मैंने नहीं किया था, वो तो मेरे फ्रेंड ने करवाया था। मैं ये जो चीज है ना, दिस हैज टू स्टॉप, और ये बड़ी खतरनाक है। इस पे डांटती हूं, लेकिन ताने तो मुझे कल का याद ही नहीं रहता, वो कब हुआ। अच्छा, मजे की बात है, अम्मा से ताने पड़े, मियाँ से पड़ गए, सास से पड़ गए, अब्बा से पड़ गए, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं फिर बच्चे भी आपको कभी कभार ताने देते हैं। आपने क्या किया हमारे लिए? भाई मेरी फ्रेंड की बेटी, मैंने कहा मेरी मिल जाए कहीं अकेले में। हाँ। मैं इतना हैरान हुई, मेरी फ्रेंड बड़ी डिप्रेशन में चली गई, कहती मेरी बेटियाँ ना मुझे नादिया टॉन्ट करती हैं। मैंने कहा टॉन्ट किस बात पे? हाँ। हर बात पे, आपको तो माँ ही नहीं बनना आता, आप तो छोड़ें, आप तो अच्छी माँ है ही नहीं। ओह माय गॉड। और फिर उसके बाद एक तो मेरे सामने था कि हाँ नादिया खाला बोल जरा करके बताएं फोन का, तो मैं टेक्स्ट कर रही, कहती एक हाथ से टेक्स्ट करती हैं आप, ओह माय गॉड, यू नो आप मम्मी, ये जो आप लेडीज है ना, एक हाथ से, हम तो दोनों हाथ से टाइप करते हैं। मेरे बच्चे भी मेरा, मुझे पड़ा, मैं ऐसे उठना, मुझे मैंने कहा पीटूंगी तुम्हारी बेटी को आज, मैं ये बदतमीजी कैसे कर रही है, शी इज मिसबिहेविंग विद यू, ये तो तुम्हें बुली कर रही है। और वो माँ ये की, अच्छा माँ का अब ऑपोजिट, बिल्कुल माँ का ये हाल ना, ऐसे ऐसे बेटियाँ आ जाए तो उसकी जान निकल जाए, क्योंकि बेटियाँ पहले बड़ी बुली करने लगी, उसने मना नहीं किया, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, छोटी ने भी छोटी शुरू हुई, फिर छोटी ये छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही है, माँ मना करे, व्हाट डू यू नो अबाउट फैशन मामा, आप तो इतनी बैकवर्ड हैं, आपके जमाने में होता था हमारे नहीं होता। नादिया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत बुरा, जो बच्चों को थोड़ी शय मिलती है ना, अगर उनके साथ बाप मिल जाए, अगर आपका स्पाउस, जी जी, अगर वो बाप को ताने दे रही है तो माँ मिल जाएगी, माँ को ताने दे रही है तो बाप, या बाप कुछ बोले ना, बोले ना नहीं, साथ मिल जाएगा बच्चों के, ये भी है। तो ये शय मिलती है, जो तरबियत है, देखो ये तरबियत बड़ी जरूरी होती है, आपको शुरू से करनी होगी। ये अब आप समझ रहे कि आपकी बच्चियां जवान होगी अब करेंगे, नहीं, मेरी एक बेटी, मैं हर बार मिसाल देती हूँ, यार यकीन मानो अगर वो जमीला से भी ऊंची आवाज में या तू या तुम से बात कर ले तो मैं वापस बुलाती हूँ, वापस आइए, कौन है ये? जमीला आप ही हैं, आपने इसे तू या तुम
या बगैर तू और तुम के भी बात, आपके अलावा बात कैसे करिए? सॉरी करके जाइए, वो सॉरी करवाती हूँ ताकि उसको पता चले कि आप होना या बड़ा होना क्या है। मुझे कोई मसला होता है मीरा को नॉट कोई बात ऐसी बदतमीजी की हो या मुझे लगा हो कि आज इससे मुझसे बदतमीजी कर जाती है, मम्मा रहने दे आपको तो फोन का पता ही कुछ नहीं है, लाए मैं करके दे दूँ, मैं दान को एक मैसेज करती हूँ आज अपनी बेटी को ठीक कर लीजिएगा, पूछिएगा कि मैंने कैमरे में देखा है मम्मा के साथ आपने ऐसे मिसबिहेव क्यों किया। अब जब माँ ने तो कोई शिकायत नहीं की, अब बाप ने जब फ़ोन किया ना, मम्मा का मूड क्यों ऑफ है? नहीं बाबा सब ठीक है, आज आपने गाड़ी में मम्मा के साथ मिसबिहेव किया था ना, मैं कैमरे में देख रहा हूं। सादिया एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट है दोनों भी आपस में डिस्कस करें। सादिया एक बात बताऊँ, पता है हम लोग भी जब शायद टीनेज में थे तो हमें जब एहसास होता है, जब हम खुद माँ बन जाते हैं हमारी, और जब हमारी बच्चे ऐसा करते हैं तो हमें याद आता है, ओ माय गॉड मैंने अम्मी को कहा था, अम्मी आपको क्या पता, ये उनके लिए ताना था, मैंने तो ऐसे ही आमतौर पर कह दिया था, लेकिन जब मैंने सुना अपनी बेटी से तो मैंने कहा मुझसे क्या हो गया, ये मैंने अम्मी को क्यों कहा, या कोई टेक्निकल वो मतलब थी अम्मी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं टीनेज में, हमें लगता है कोई क्राउड में थोड़ा कभी के बाद तो सही है, लेकिन हमने बदतमीजियां नहीं की अपने मां-बाप से। मेरी फ्रेंड मुझे कहती है मेरी बेटी ना वकील बन रही है, वो ये है वो बहुत जबरदस्त है, मैंने कहा वो छोड़ो उसको तमीज, माँ से बात करने की तमीज सीखी है उसने, नहीं वो तो बस गुस्सा है उसकी तबीयत, मैंने कहा नहीं जिस दिन ये सीख लेगी ना तब बताना, मैं इसको बहुत जरूरी है, जब जिसको माँ से बात करने की तमीज नहीं वो वकील बन जाए इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए कोई फायदा नहीं। तुम तीनों बहनों तुम्हारे पूरी फैमिली को मैं अच्छी तरह, तुम लोगों ने कभी अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं, अम्मा के रोब था भाई, अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकते, मेरी अम्मा ने हमें ऐसे सुत रखा है सादिया, आज अगर हमने कभी कुछ कहा भी है ना तो मेरी अम्मा ने ऐसे सुत रखा, ऐसे ही रखना चाहिए माओ को, मैं हमेशा बेटियों को सर पे सवार नहीं होने देना चाहिए, मेरी अम्मा की तो सिर्फ आंखें, पिटाई विटाई कभी एक रोप था अम्मी का, एक रोप था भाई, ये पता है ये जो हस्बैंड्स अपनी बीवियों की बुराई करते हैं बच्चों के सामने, बच्चों तो बच्चों की ना रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है माँ के लिए, कि माँ तो एमी बस एक डेकोरेशन पीस है, हाँ तुम्हारी माँ ने तो कभी ये नहीं किया, तुम्हारी माँ तो ऐसी है, या उसके सामने उसको सुनाना बेइज्जत करना, उससे भी बच्चे जो है ना शह लेते हैं, कि वो भी फिर माँ को सुनाते हैं। अच्छा कभी कभार माएं भी बापों की बुराइयां करती हैं बच्चों के सामने, बिल्कुल, तो फिर बच्चे भी बागी होते हैं, दोनों तरफ की बात है, लेकिन ये जो अक्सर वो औरतें जो सारी उम्र अपने मियाँ से और ससुराल वालों से सुनती आई हैं फिर वो अपने बच्चों से सुन रही होती है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने आवाज नहीं उठाई ना, उनको कोई भी आया और सुना के चला गया भाभी ये क्या कर दिया, मतलब ससुराल वाले भी चलो मियाँ है मियाँ ने तो किया ही किया, बाकी उन्होंने भी, और कल को फिर उनके बच्चे खड़े होके फिर उनकी बहुएं खड़े होके उन्हें सुना रही होती, मैंने बहुत सारे घरों में ऐसे देखा, बिल्कुल ऐसे, उसके बाद उनके बच्चे सवारी करते हैं उनके, सो आपको ये पता है कि आप तक पहुंचने की लिमिटेशंस कहां, आपको एक दीवार एक रखनी है, एक जली रखनी है बीच में, हर रिश्ते के दरमियान में एक पर्दा होता है, वो इसीलिए पर्दा होता है कि भाई खुदा के वास्ते वो चीजें बैलेंस में रहे, हमारा तो मसला ये है कि भाई हम उस पर्दों को, माँ बेटी में भी होता है बेशक दोस्तियां जितनी हो, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट का एक पर्दा तो जरूर हो रहा है, बेटी को पता हो कि ये मेरी माँ है, इसी तरह बेटे को पता हो ये मेरी माँ है, अगर ये आज भी हाथ उठाएगी मैं 20 साल का 21 साल का तो मुझे ये हाथ खाना है इसका चमाट, क्योंकि ये मेरी भलाई के लिए, और हमारे यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी कहें आप, हमारा ये जो कल्चर है ना कि माँ बाप का रोब बड़े होने के बाद बच्चे होने के बाद भी अम्मा अब्बा का एक डर है, ये बहुत अच्छी चीज है सीरियसली, क्योंकि वेस्ट में ये नहीं है पुलिस बुला लेते हैं अपने माँ बाप को कि हमारे बाप हमारे ऊपर चीख के आया या माँ ने कुछ कर दिया, बच्चे फोन करके पुलिस बुला लेते, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन निदा अभी यहाँ ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे पैदा तो उन्होंने 4-4, 5-5 बच्चे कर लिए हैं, कोई इस बड़े स्कूल में कोई इस बड़े कॉलेज में कोई, और मैं उन माओं की जब स्टोरियाँ सुनती हूँ ना, आज मेरे बेटे ने ये कह दिया आज तो वो ऐसे जवाब दे के चला गया, तो मैं कहती हूँ तुम्हारी तरबियत की कमी है, तुमने पहले दिन उसे जो जिस बात पर वो पहले दिन बोला था उस वक्त तुमने उसे नहीं वो कैसे, फिर वो उसके दादाबू थे तो दादाबू ने शायद दे दी, इसी ये बड़ा मसला होता है हमारे यहाँ, ये जो जब कंबाइन फैमिली में अब माँ अपने हिसाब से ट्रेन करना चाह रही है या माँ बाप मिलके अपने हिसाब से, दादा दादी का अपनी माँ बाप एक और मैं खास तौर पे जो वर्किंग लेडीज माएँ हैं ना जो अपने बच्चों की खातिर इस मामले में बच्चों की खातिर उनके फ्यूचर की खातिर कमाने निकलती हैं दिन रात एक करती हैं,
एक सर्टन टाइम पर बच्चे उन्हें ताने देते हैं, आपने हमें टाइम नहीं किया क्या? हाँ, तुम्हारे लिए मैंने शादी नहीं की तो हाँ कर लेती, हम पे क्या एहसान था? वो बहुत दिल तोड़ने वाली चीज़ होती है। मैंने बहुत सारी खवातीन को अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर की खातिर अपनी आराम, अपनी नींद, अपना बिस्तर, वो सब छोड़ के बाहर निकलते हुए सर्दियों में भी देखा है। वो उस तरह की चैन की जिंदगी है। उन माओं के बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि जब आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे होते ना, तो आप उनकी हर तरह की जरूरियात को, बेजा जरूरियात को भी पूरा कर रहे होते पैसों के जरिए। गिल्ट होती है ना, वक्त से पहले फोन दिला देना, वक्त से पहले आईपैड दिला देना, वक्त से पहले बड़ा टीवी दिला देना, वक्त से पहले ये बॉक्स भी लगवा दिए, ये चैनल भी लगवा दिए, आप बेजा जरूरियात पूरी करते हैं वो बच्चे। Because initially, जब मैंने वापस काम शुरू किया नाइल के बाद, तो that was what I was doing, कि मैं जाती थी, चलो नाइल let's go get a toy, you know, क्योंकि मेरी अपनी गिल्ट होती थी कि बच्चा पूरे दिन अकेले था, let me get him a toy. तो मुझे मिन्हाज ने समझाया, तुम कर क्या रही हो ये, उसके लिए ना उस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस है, एंड यू आर जस्ट यू नो ट्राइंग टू बाय द चाइल्ड, कि मैं जा रही हूँ ना तो अब तुम्हें ये तोहफा मिलेगा, सो लेट अम्मा गो बिकॉज शी इज गोइंग टू गेट यू अ प्रेजेंट। उस वक्त मैंने रियलाइज किया इज एब्सोल्युटली राइट, तो अब उसके भेजे में डाल दिया कि तुम्हें महीने में सिर्फ एक टॉय मिलेगा। कभी कभार हस्बैंड बहुत पते की बात है, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था हमेशा नेदा याद रखना, बच्चों में प्यास बरकरार रहे, अगर बच्चों में प्यास नहीं होगी वो खुद कुछ अचीव ही नहीं करते exactly. सब कुछ जब मिल जाए तो कोई आपकी बाकी बात है, आप चाहे कितना भी अफोर्ड करें लेकिन एक बच्चों में प्यास जरूरी है। मैं आप लोगों के पास दोबारा वापस आती हूँ, जरा मैं किचन जो हमारा है इसकी खुशबू जो आ रही है वहां तक जाती हूँ, मैं आपके पास दोबारा वापस आई, जब तक आप कैरी ऑन, आप गप्पे लड़ाए, मैं आती हूँ जी हमारे माइक, और मैं जा रही हूँ इस वक्त फरा के पास, और अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं आपके किचन में क्यों आई हूँ मैं लोगों को बता दूँ जी, भाई महंगाई के इस दौर में ना अक्सर हम खवातीन पैसे बचाने के लिए कंजूसी में बचत के चक्कर में इतना धोखा खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं। ऑनलाइन धोखा तो एक अलग ही बात है, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी धोखा खा लेते हैं। अब सोचिए जो बर्तन धोने वाला आम बार है, जो बाजाहिर तो सस्ता है लेकिन ऐसा लगता है मट्टी से भरा है, पानी में मतलब रखो फौरन खुल जाता है, बिल्कुल खुल जाता है, चलता ही नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके बरक्स अगर हम अकलमंदी से अपने घर गृहस्थी को चलाएं, तो हम खरीदें लेमन मैक्स बार, जो कि पानी में कम घुलता है, ज्यादा चलता है और कड़ी से कड़ी चिकनाई निकालता है एक ही बार, जब ही तो कहलाता है पाकिस्तान का नंबर वन डिश वॉशिंग बार। अब हम आपको ऐसे ही नहीं बताएंगे, हम आपको आजमा के दिखाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फरा, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। हमारे पास अभी टाइम है, हम ब्रेक पे जाने से पहले आम बार है हमारे पास एक, और हमारे पास एक लेमन मैक्स बार है, बिल्कुल, तो हम दोनों बार्स को पानी में डिप कर देते हैं, एक आम बार है और एक खास लेमन मैक्स बार है, और ये है, और हमने आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ये हमने डिप किया पानी, ठीक है। और जब हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तो फिर हम आपको दिखाएंगे, आपको खुद सामने ही ट्रांसपेरेंट नजर आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे, समझ भी आ जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकलता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इधर ना यहाँ निहारी बनाई फरा ने, और वहां हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वैसे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो करते थे, आज मैंने अपने मॉर्निंग शो पे भी ये घरेलू एक्सपेरिमेंट किया, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। रिजल्ट आपके सामने फरा, बिल्कुल बिल्कुल आपके हमारे सामने रिजल्ट है। और वैसे निधा एक बात बताऊं, जिस तरह से मैक्स बार, लेमन मैक्स बार जो है वो दूसरे आम, दो आम बार्स पर जो भारी है, और इसी तरह से एक हम लेमन मैक्स बार लेंगे तो दूसरे आम बारों पर वो भारी है, इसी तरह से जो आज की हमारी डिश है दूसरी जो आम दो डिशेज है उस पे भारी है। ये तो मैंने बनाई निहारी, दाल बनाए, आलू की कतलियां बनाए, कौन खाएगा वो, निहारी खाएंगे, उसी तरह अगर आप देख लें। अच्छा देखिए, अब रिजल्ट जो है हमारे सामने है, हमने यहाँ पर आम बार इसके अंदर हमने डिजोल्व किया था, ये देखें निदा, ये इसकी हालत देखें, ये मेरे हाथों में आ रहा है, ये क्या है, पिद्दा सा कितने दिन चलेगा, कितना सा चलेगा, ये देखिए अभी थोड़ी देर ही नहीं चला, तो ये एक दिन का मेहमान है बेचारा। अच्छा अब इसके जरा दोबारा दिखाओ ना, कैमरे में नजर आए लोगों को, देखिए ये निकल रहा है, छोटा भाई रह गया साबुन का, ये देखिए
ये सारा का सारा मेरे हाथ में आ रहा है ये और ये घुल गया, ये पानी की हालत क्या हो चुकी है। अब जरा हमारे और हमारे स्टार से मिलवाए, स्टार से मिला ये लेमन मैक्स बार, देखिए इसका शेप बिल्कुल इसी तरह से, बल हल्का सा साइड से ये घुला है, हल्का सा, और इसका शेप बिल्कुल इसी तरह से है। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख लें। और अभी तो कहते हैं ना हो गया साबुन, कि लेमन मैक्स बार ही तो है जो कम घुले और ज्यादा चलता है, इसीलिए आप जो है मजीद धोखा बिल्कुल ना खाएं और आज ही लेमन मैक्स बार अपने घर ले आएं। और देखें बचत भी है, क्योंकि आप बचत के चक्कर में हम रहते हैं तो ऐसी सस्ती चीजें लेके आ जाते हैं और जो गैर मयारी होती बिल्कुल, है तो आप वो चीजें ले, समझदारी करें और लेमन मैक्स बार लेके रहें। और बर्तन जो है इतने ज्यादा खराब होते हैं, अब जो सीजन चल रहा है सर्दियों का, जो भी खाते हैं निदा प्लेटों में जम जाता है, जो बर्तन धोने का जिसकी ड्यूटी होती है ना, जैसे मेरी ड्यूटी होती है, अच्छा वो मेरी होती तो मैं इतनी परेशान होती, लेकिन मैं तो नहीं होती, मैं तो बड़ी समझदार हूँ तो लेमन मैक्स बार लेकर आती हूँ। लेकिन अगर आपके घर में भी किसी की अगर ड्यूटी है बर्तन धोने की, तो आपने बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना, समझदारी दिखानी है। यस, तो ये चीजें होती है ना जरूरी, समझदारी दिखाने की, इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान का नंबर वन डिश वॉशिंग बार है लेमन मैक्स बार। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फरा, हमें हमारे खर्चे बचाने का है, वैसे तो हम खवातीन का काम ही है घर के खर्चे बचाने, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, आइए वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। थैंक यू फरा, और मैं अपनी सहेलियों के पास वापस जा रही हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है आज का, ताने ही ताने, ताने ही ताने। अच्छा वैसे अब हम ताना प्रूफ हो चुके हैं, और हम गाने ही गाने। एक और ताना जो है ना हमारे यहाँ बड़ा फेवरेट है, वो है जब किसी के मुंह पे पिंपल्स हो, उसके पीछे पड़ जाते हैं, बाल क्यों कम हो गए हैं, पिंपल क्यों हो रहे हैं, मतलब क्या मतलब क्यों हो रहे हैं, तो बस हो रहे हैं चिकने खा रही हो, क्यों की क्या बात है, किसी की मर्जी से, तो भाई उसकी बात करो जो इंसान के अपने हाथ में हो। बेटा इतने दाने क्यों हो रहे हैं तुम्हारे बच्चे। अच्छा एक और ताना होता है, अगर आपने कभी लाल रंग पहन लिया और उफ उमर देखो फैशन देखो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, ट्रोलिंग, ओहो वो तो ट्रोलिंग, उमर तो वो अच्छी वो बात करी थी बुशापा, कहेंगे क्या करें उम्र होगी तो मर जाएं, खुदकुशी कर लें, कब्र में चले जाएं, क्या करें, मतलब अगर पहनना और ना थोड़ा स्मार्ट कर लिया तो भी एक ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। सो अब माशाल्लाह अब ताने जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ताने हो गए हैं, अब ये देखें सोशल मीडिया ताने हो, ऑनलाइन गुना कमा रहे हैं लोग, और ऐसे फास्ट फास्ट जितनी दफा आप कमेंट करते हैं बुरा किसी के लिए लिखते हैं, आप ठीक ठाक गुना कमा रहे हैं, और हमारे पास नेकियां आ रही हैं बेटा, माशाल्लाह बैंक हमारा so फुल हो गया नेकियों से। लेकिन पता है क्या, मुझे लगता है कि सुनो लेटर आपको ना वो कभी कभी हिट करता है, बहुत बुरा हिट करता है ट्रोलिंग, मतलब जिसकी भी हो रही हो, आई थिंक आप अंदर से जो है ना वो आ तो निकलती है कि यार क्या बकवास है, मैं कुछ कर लूं, लोगों को हर बात पे से बकवास ही करनी है, वो इतनी गंदी हो गई है। सना ये पैकेज है, आपको जितना प्यार और जितनी मोहब्बत मिलती है वो हर आम इंसान को नहीं मिलती। लेकिन मुझे रश्क आता है नादिया हुसैन पे, जो उसने किया ना ट्रोलर्स के साथ, तेरी माँ भूत आई लव वो एपिक था, मेकअप कर रही है और नादिया हमारी ग्लैमरस प्यारी हमारी कुलीग, और वो मेकअप करते करते किसी ने लिखा, मैं इसकी वीडियो देख रही हूँ, हाँ तेरी माँ भूतनी तू होगा तू है, मैं परेशान, मेरे की नादिया हो क्या हुआ है, बट वो एपिक, उसके बाद नहीं किसी की हिम्मत हुई कि नादिया उससे कोई ऐसी बात करे, क्योंकि वो लाइव हो रहा था और लाइव में बस सही उसने सुनाई है, किसी की तैसी, हाँ जो ऐसे आपके साहब के रिस्पेक्ट ना करे, बात बदतमीजी कर, मेकअप करते हुए उसने गालियां दी, पता नहीं कपड़े पहने तब आप जलील, आप छोटे कपड़े पहने तब आप जलील, आपने कुछ अच्छा कर दिया तब आप जलील। अच्छा मैंने तो एक और काम किया है, मैंने ये सोचा कि ये जो लोग लिखते हैं हमने इनको राइट दिया ना इंस्टाग्राम पे, कमेंट कर लो बेटा, आओ ब्लॉक करें, यूट्यूब पे आ जाओ, मैंने कहा मैं प्रिविलेज ही नहीं अब लोगों को देती, कोई जरूर आई डोंट वांट योर कमेंट्स, आपको अगर कोई अच्छी चीज लिखनी है मैसेज करें, ये वो असिस्टेंट पढ़ेंगे, मैंने जो जो आपके मैनेज कर रहे हैं वो पढ़ेंगे, मैंने नहीं पढ़ना, और ये आप काबिल नहीं है कि आप कमेंट करें, इट्स अ प्रिविलेज कि आर्टिस्ट आपको दे रहा है एक जगह कमेंट करने की, और आपने उसको गंदा कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद मिजरेबल है, और बस किक मिलती है कि यार मैंने उसको सुनाई, मैंने उसको तो ऐसे लिख दिया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज पढ़ते भी नहीं है, तो मैं तो कहा कि जरूरत ही नहीं, आप कमेंट्स ऑफ कर दें, कमेंट ऑफ कर दें, दूसरा आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप उसी को जाके ब्लॉक कर दें, ब्लॉक करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, और मैं तो बोल देती हूँ आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना भाई, मैंने आपके पैर पड़े हैं, पैर पड़ी थी आगे कि मेरा पेज फॉलो करो, नहीं करो फॉलो, आपकी मतलब को जो आपको दिखता है उसको फॉलो करो, उसको मैसेज देना है तो वो इनबॉक्स करे, वजह ये है कि जब अपना आप कमेंट पढ़ते हैं ना तो एक
गाली देखी और वो होता है कि हाँ 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 देखो देखो सबने देखी होगी, तो इसलिए बंद कर दे। इससे अच्छा कमेंट भी देना है ना प्राइवेटली दे दे। जैसे पहले में खत आते थे, ईमेल्स आती थी, कभी नहीं होता था। जब से शुरू हुआ है ना तमाशा ऑफ कमेंट, जब खत और ईमेल आते थे ना तो आपके उनके एड्रेसेस होते थे। अब माशाल्लाह कोई पिंकी प्रिंसेस या पता नहीं कौन सा फेक अकाउंट, वो सारे फेक होते हैं। कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि जेन्युइन है वहां से इस तरह की चीजें नहीं नहीं आती। हाय बीच में मैंने ड्राइवर रखा ना उसका व्हाट्सएप, मैं नंबर डायल किया तो कोई औरत फिलिपिनो लिखा हुआ अमेंडा। मैंने कहा भाई कल से नहीं आना। कह रहे बाजी वजह क्या, मैं कह नहीं वो हमारे पास है दूसरा ड्राइवर आ गया है। उसने व्हाट्सएप पे तस्वीर लगाई हुई थी अमेंडा की, तस्वीर अमेंडा। मैंने कहा यही गड़बड़ है, कुछ चक्कर है कि जिसकी व्हाट्सएप पे अमेंडा है और वो हमारे ड्राइवर बने में। नहीं भाई अभी जरूरत नहीं है, खुद चलाऊंगी मैं गाड़ी, थैंक यू आराम से। सो इन द एंड मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ताना प्रूफ कैसे बने, आप तीनों सजेशन दें कैसे हो गए। हाँ ताना प्रूफ जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं उनको अगर ताने बहुत हिट करते हैं उनके दिल पर, उनकी जो बेसिकली जो उनका टैलेंट है वो उसको पीछे कर रहे हैं, अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं, अगर आप अच्छी माँ हैं, अच्छी वाइफ हैं, अच्छी बेटी हैं, कुछ भी आप करती हैं, कोई भी टैलेंट है आपका, और वो उसकी वजह से सप्रेस हो रहा है, उस पर बादल छा रहे हैं, उन सारे तानों की वजह से आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ख़राब हो रही है, आप दो कान इस्तेमाल कैसे करें प्लीज। आई टू टेल पीपल कंक्लूड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बहुत पोलाइटली जवाब दे देती हूँ ताकि मेरी वो बाउंड्री कोई क्रॉस ना करे। आई हैव अ वेरी प्रॉपर बाउंड्री अराउंड मी, मेरी दोस्तियाँ भी उतनी होती हैं हर किसी के साथ। देखो सबकी पर्सनालिटी थोड़ी सॉलिड नहीं करती, तुम्हारी पर्सनालिटी माशाल्लाह से स्ट्रांग है और उसका उसका सारा तुम्हारी परवरिश पे जाता है, सब डिपेंड करता है तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर। मैं नहीं दे सकती, मैं कितना मतलब बोल लेती हूँ, मैं बहुत दफा नहीं जवाब दे सकती। आई एम जस्ट लाइक इंटिमिडेटेड, आई फील कि मैं नहीं बोलती, बाद में कहती यार मैं सुनाना था, नहीं नहीं सुना पाता क्योंकि सामने हर एक को नहीं आप कह सकते। हाँ कभी कभी आप बैकआउट हो जाते हैं। हाँ मेरा तो ये होता है कि बोला क्या इसने, बाद में आपके साथ हो। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कोई एक टिप दे दो, कैसे ताना प्रूफ हो गई हो कैसे। ढीट दो कान है, एक कान से सुन के दूसरे कान से इसने निकालना। अब शुरू देखो ये नहीं हो सकता कि आपको अफेक्ट ना करे कोई चीज, अगर आप पढ़ते हैं सुनते हैं आपको थोड़ी देर अफेक्ट करती है, बट थोड़ी देर का रखिए वो टाइम आप। अच्छा उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं दिमाग में इमेजिन करती हूँ, दिस इज अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज, कि मैंने उसको इतनी सुनाई, सिचुएशन नंबर वन। सिचुएशन नंबर टू, उसने मुझे ये कहा, मैंने ये सुनाई, मुझे ये जवाब देना चाहिए था। सिचुएशन नंबर थ्री, मैं कुछ घंटे ना उसके बारे में सोचती हूँ, सोचती मुझे ये करना चाहिए था, फिर मुझे ये सुनानी चाहिए, उसके बाद मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ हाँ बस हो गया। उसके बाद इतनी इमेजिन करके ना सिचुएशंस, और कि मैं ये सुनाती फिर वो बात आपको ना फिर इतनी लगती नहीं है, आप बिल्कुल इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने इसको ये सुनाया और बहुत दफा इमेजिन किया, फिर मुझे वो बात नहीं लगती। हाँ, मैं उसके बाद में बल्कि मैं उसके बाद उस शख्स से जाके गले लग के मिलूंगी। इस तरह मेरे सिस्टम से निकल जाती है बात, जैसे है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, और हैरान होते हैं वैसे लाल से तुम्हें ये कहा था, मैं कहा है कब पता नहीं भूल गया क्योंकि मैं लड़ चुकी हूँ। ट्राई डूइंग दैट, आप अपने माइंड से बहुत कुछ कर सकते हैं, दिमाग से अपने आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी भी वो इंसान इनविजिबल हो जाता है। मेरी अम्मा कहती थी कभी कभार अल्लाह ताला ने जो दो कान दिए हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, सुनो सबकी, करो अपनी, यहाँ से सुनो वहाँ से निकाल दो। थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन अगर आपके पास दो चीज़ें होती है, ग्लास में पानी होता है, आप कहते हैं कि ये ताने 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 उसका पानी किस पैमाने तक है, और वो वाली ब्लेसिंग्स जो आपको अल्लाह ताला ने दी है उसका पैमाना कहाँ तक है, तो जब मैं नापती हूँ तो बहुत डिफरेंस आता है। फिर मैं कहती हूँ ये दो कान इसीलिए दिए अल्लाह ताला ने। अगर आप अपनी ज़िंदगी का ये टाइम लगेगा, और मैच्योरिटी बेसिकली इसे ही कहते हैं, जब आप मैच्योर हो जाते हैं सो आपको वो पिछली बातें जो आपको खलती थी, मैं सोचती हूँ अब इतनी छोटी लगती हैं कि हाय उस पर परेशान हो जाते थे हम। बहुत कुछ है यार दुनिया में, बहुत कुछ है, अल्लाह ने आपको बहुत ब्लेस किया हमेशा। जब भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए, मैंने बहुत पहले भी ये बात की थी कि हमेशा ना अपनी गुड थिंग्स लिखना शुरू कर दें, ये इससे जैसे जो नादिया ने कहा कि ये उसको इमेजिनेशन में ले आती है, अगर आप इमेजिनेशन में नहीं लेकर आ रहे वो, आप लिखना शुरू कर दें कि यार ये 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 ये, ये इतनी अच्छी चीज़ें, ये तो मैं डिजर्व भी नहीं करती थी, मुझे मिल गई। हाँ अगर ये 5-6 कड़वे लोग मुझे मिल गए तो कोई बात नहीं, वो आपका सदका गया। थैंक यू सो मच, आप तीनों का
कि आप लोगों ने अपने ताने हमसे शेयर किए और टिप्स दी खवातीन को या मर्द हजरात को भी, मतलब दोनों के लिए था ये शो. बिल्कुल. और पता हम भी परफेक्ट नहीं है, कभी हमारे मुंह से भी गलत बात निकल जाती है. अफसोस, यकीन करें तो मैंने तो ये सोचा है कि जाके उस शख्स से माफी मांगू और उसको कह दो सॉरी यार मैंने वो, मेरा ख्याल है मैंने ये कह दिया, मुझे नहीं कहना. निकल गया, निकल जाता है हमारे मुंह से भी निकल जाता है. तो हम रियलाइज करते हैं, मुझे तो उसी वक्त लगता है मैंने गलत किया, मैंने ये मेरा मतलब नहीं था लेकिन नहीं कहना चाहिए था. तो ऑलवेज बेटर आप जाके एक्सक्यूज करें. कभी कभार गलती से भी ताने निकल जाते हैं मुंह से. तो वाकई रियलाइज करें और एक्सक्यूज करें. ये नहीं गायब नहीं होना, जाके माफी. अभी गायब होना है क्योंकि अभी ब्रेक खत्म, छुट्टी अभी गायब होना है. अपना बहुत ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़. गुड मॉर्निंग.